ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी, ये सब बाला फिल्म में क्यों है और इस फिल्म की खास बातें क्या है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रन, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी आर्टिस्ट या क्रिएटर का ड्रीम होता है ऑडियंस का भरपूर प्यार पाना। इसी प्यार का सबूत है आज बॉलीग्राड परिवार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। ये मुकाम बिना आपके प्यार और साथ के मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इसी मंडे यानी 11 नवंबर को हम एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर दिन हमारे किसी एक ऑडियंस को 1000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। हर एक दिन 1000 रुपए। हमारा सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है, बेल आइकन यानी अरे भैया घंटी दबा दीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाल मुकुंद इमोशनल होते हुए कहता है कि नहाने के तुरंत बाद वो अपना कच्छा नहीं अपना बिग पहनता है, इसलिए कि बिग ना पहनना हो तो उसे लगता है कि वो नंगा हो गया है। उसका ये कहना सुनकर आपके अंदर हास और करुणा एक साथ जन्मती है। हास और पीड़ा का ये भी जोड़ आप पूरी फिल्म में पाते, वही जोड़ जिसके बारे में शायद चार्ली चैपलिन कह गए कि ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी। और इस फिल्म की कहानी क्या है? काफी विवादों के बाद आखिरकार 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म बाला। ये कहानी है बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला की। बाला कानपुर का एक सेल्समैन है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसका बॉस उससे फील्ड वर्क चुरा कर उसे ऑफिस वर्क दे देता है, काइंड ऑफ डिमोशन। और डिमोशन इसलिए क्योंकि उसके बाल नहीं है। बाला गंजा है इसलिए बॉस और समाज की नजर में उसकी पर्सनालिटी ठंडी है। बाल नहीं है तो चार्म नहीं है। बाल ना होने के चलते ही उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, बचपन वाली ब्रेकअप कर लेती है। बाल ना होने के चलते उसकी शादी नहीं होती। बाल ना होने के चलते ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। यानी सारी मुसीबतों की जड़ बाल ही है। बाल मतलब बालों का ना होना। होने को एक लड़की है जो बाला को पसंद करती है बचपन से, लेकिन बाला उसे पसंद करना तो दूर उसकी मजाक और उड़ाता है क्योंकि वो लड़की सांवली है। इन्हीं सब दुखों के बीच जब एक दिन उसके पिता उसे बालों का बिग गिफ्ट कर देते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लखनऊ की एक टिकटॉक सेलिब्रिटी उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव के रास्ते स्वीकारता की कहानी कहती है बाला। इस फिल्म का मैनरिज्म क्या है? फिल्म में 80% घटनाएं कानपुर और बाकी 20% चीजें लखनऊ में घटती हैं। फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट, डायरेक्टर अमर कौशिक, सिनेमेटोग्राफर अनुज राकेश धवन और बाकी की टीम ने इन शहरों के फ्लेवर को मस्त पकड़ा है। शहरों का मैनरिज्म, वहाँ की बोली, वहाँ के छोटे छोटे लोकल शब्द जैसे कान्हेपुर, लभेड़, वहाँ के इलाके, इन सब का एक नेचुरल सा रंग है फिल्म में। वैसे मूवी में वन लाइनर डायलॉग्स और बोली इन सब में एक चटखारा है। समझिए कि एक खास किसके लहजे की आंच में बहुत स्वादिष्ट ह्यूमर पकाया गया है और मूवी के डायलॉग्स इसका सबसे स्ट्रांग डिपार्टमेंट बन गए हैं। कुछ डायलॉग्स जो सिनेमा हॉल से निकलकर अब भी मेरे साथ है, उनकी मिसाल देखिए। हेयर लॉस नहीं आइडेंटिटी लॉस हो रहा है हमारा, जितने भी विकेट बचे हैं उनके रहते अपनी इनिंग बचा लो, पूरा यूपी भगवान के भरोसे है। बाला के भाई के हिस्से आया एक मोनोलॉग बिना क्रीपी हुए प्यार का पंचनामा वाले मोनोलॉग की याद दिलाता है। अपने ह्यूमर कोसेंट और तेज तेज बोले जाने के चलते मूवी में कभी कभी ह्यूमर बैंक का रूप भी ले लेता है जब वो सच्चाई के साथ मिक्स हो जाता है। आयुष्मान खुराना हो या भूमि पेड़ेकर, दोनों ही लीड एक्ट्रेस ने अदाकारी के सारे बॉक्स चेक किए हैं। कनपुरिया लहजा और भाव भाव बढ़िया पकड़ा, लेकिन मेकअप का जो एडवांटेज आयुष्मान को मिला है वो भूमि नहीं पा सकी। मतलब आयुष्मान अगर एक गंजे आदमी का किरदार कर रहे हैं तो उनका मेकअप कभी भी हमें अन्यथा सोचने का मौका नहीं देता, जबकि भूमि का सांवला रंग काफी हद तक बनावटी लगता है। जावेद जाफरी ने अमिताभ बच्चन को अच्छा कॉपी किया है, लेकिन ट्रेलर में उनको देखकर जो ह्यूमर की उम्मीद जगती है वो मूवी में पूरा नहीं हो पाती। उनके छोटे और नॉट सो ह्यूमर्स रोल के चलते ऐसा लगता है कि उनका किरदार बेकार ही चला गया, फिल्म में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए जाफरी। बाला के पिता बने सौरभ शुक्ला के लिए तो क्या ही कहें, वो आलू हैं, जहां डालो अपना स्वाद अपनी जगह बना लेते। यमी की एक्टिंग तो ओके है, लेकिन उनका करेक्टर परी गले के नीचे जाते हुए अटकता है, आपको एक्स्ट्रा जतन करके इसको निगलना पड़ता है। कारण ये भी वो अविश्वसनीय लगती है, उनके किरदार का एक्सट्रीम दर्शकों को कन्विंस नहीं कर पाता। मूवी इंटरवल से पहले फुल ऑन एंटरटेनिंग है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि
धक्का दे देकर चल रही है, वैसी मक्खन चाल नहीं रह पाती। स्क्रिप्ट कई जगहों पर ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ और करते, क्योंकि कहानी का वो प्लाट बहुत ही अब्यूस मालूम पड़ता है। मसलन एक लीड करेक्टर कुछ कन्फेशन करने वाला होता है, मगर उसके ऐसा करने से ठीक पहले ही दूसरे लीड करेक्टर को सच्चाई पता लग गई। फिर इस सहयोग के दम पर कहानी में कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ये बहुत घिसा पिटा फार्मूला है। ऐसे ही कई और चीजें हैं जिसके चलते फिल्म वैसी रिफ्रेशिंग वाली फील नहीं दे पाती जैसे कभी दम लगा के आयशा ने दी थी। मैंने दम लगा के आयशा की बात इसलिए की क्योंकि दोनों फिल्मों के लीड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कहानी के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा समानताएं हैं। दोनों फिल्मों की कहानियों में एक पुरुष किरदार है जो खुद परफेक्ट नहीं होते हुए भी परफेक्ट स्त्री की चाह रखता है। और तो और 90s के नॉस्टैल्जिया को कैश कराने का प्रयास भी दोनों ही फिल्मों में है। वहां कुमार सानू के माध्यम से था, यहां फैंटम नाम की बच्चों को सिगरेट के माध्यम से। डायरेक्शन की बात करें तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में कुछ एक सीन बड़े इमोशनल बन पड़े हैं, जैसे स्टूडेंट रियूनियन वाला सीन, मगर बात बनती हुई लगती नहीं। ज्यादातर सीन अतपके हैं, जैसे बाप बेटे का कन्फ्लिक्ट। कोशिश की जाती, थोड़ा सोचा जाता तो ये सीन बड़े असरदार बन सकते थे। अगर आपने अवार्ड विनिंग वेब सीरीज गुल्लक देखी है तो आपको बाला का घर और गुल्लक के मिश्रा जी का घर एक ही लगेगा। दोनों घरों की एक विशेषता है, एकदम सच्चे लगते हैं, ऐसे कि आपको अपने बचपन के घर का अस्त व्यस्त पनरा याद आता है। बाला के हर सीन की रियलिटी से पकी वाली यारी देखने को मिलती है और ये डायरेक्टर अमर कौशिक और उसके साथी प्रोड्यूसर दिनेश बिजन की खासियत भी रही है। इनकी पिछली फिल्म स्त्री याद कीजिए, रेफरेंसेस और प्रॉप्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जैसे टिकटॉक जिसे टियर टू सिटी का ट्यूटर भी कहा जाता है। टिकटॉक इस फिल्म का कहानी के नरेशन का एक जरूरी हिस्सा है, ये शायद पहले किसी मूवी में इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया होगा। बाकी 90s की वो फैंटम वाली बच्चों की सिगरेट जैसे छोटे मोटे रेफरेंसेस तो है ही। फिल्म का म्यूजिक बहुत औसत है, माने अपुन सुना और भूल गया, आप इसे गुनगुनाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, इतना जरूरी है कि गानों के शब्द, इसकी लिरिक्स बहुत चुटीली और फ्रेश है। फिर चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल हुआ गीत हो या टकीला सॉन्ग एंड क्रेडिट में यूज हुआ गीत डोंट बी शाय, बादशाह के म्यूजिक के चलते अच्छा लगता है। किसी संस्कृत के श्लोक की पैरोडी टाइप लगता मोटिवेशनल सॉन्ग भी अपने कंटेंट में क्रिएटिव तो काफी है, लेकिन फुल लेंथ फीचर फिल्म की जो एक जिंदगी होती है उसे थोड़ा कमजोर करता है। प्यार तो था कि मेलोडी प्रभावित नहीं करती, वो बस आया गया टाइप कोई औसत से नीचे का गाना बनकर रह जाता है। अगर आपने बाला के गाने सुने हो तो गौर किया हो शायद फिल्म की कहानी यूपी के बैकड्रॉप में बढ़ती है, मगर गाने अधिकतर पंजाबी हैं। उजड़ा चमन और बाला में क्या समानताएं हैं? पिछले हफ्ते कन्नड़ मूवी ओ टू मटैया काठे की ऑफिशियल हिंदी रिमेक उजड़ा चमन रिलीज हुई थी, उसके साथ बाला का काफी विवाद चला था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मसला ये था कि दोनों की स्क्रिप्ट एक सी थी। अब चूंकि हमने दोनों ही मूवीज देख ली है तो हमें मालूम है कि दोनों फिल्मों का मूल विषय बेशक एक सा हो, लेकिन स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के चलते दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिल्में हो जाती हैं। दोनों फिल्मों की तुलना जब भी मेट का एक डायलॉग सबसे बेहतर तरीके से करता है, एक इंच की बेड और मीलों की दूरी, बस यही दूरी है दोनों फिल्मों के बीच। होने को दोनों फिल्मों की तुलना को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो बता दें कि बाला पहली नजर में 21 साबित होती दिखती है। 90 के दशक में जब हम वही शिफॉन की साड़ियां, वही बर्फ के पहाड़ों वाला बैकग्राउंड, वही लो एंगल कैमरा, वही स्लो मोशन देख देख कर उकता गए तो नई तरह की कहानियां आई। छोटे शहरों की कहानियां, बिक्की डोनर, मसान, दम लगा के आयशा, बरेली की बर्फी, स्त्री, शुभ मंगल सावधान, तनुवेट्स मनु, बधाई हो, ये शुरुआत एक परंपरा के टूटने से हुई। जोखिम लेने की हिम्मत से उपजी ये फिल्में, लेकिन बाला तक आते आते इस क्रांति से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट भी एक नई क्रांति के लिए कस मसाने सा लगा है। एक नए तरह के कॉन्सेप्ट का इतनी जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाना डॉक्टर चिहोंगो की क्रांति की याद दिलाता है। जैसे शोले के बाद आई डाकू वाली फिल्में, जय संतोषी माँ के बाद आई भगवान और भक्त वाली फिल्में, हम आपके हैं कौन के बाद आई शादी ब्याह वाली फिल्में, DDLJ के बाद आई विदेशी और हाई फाई विदेशी लोकेशंस वाली फिल्में, इस नई वाली विधा का भी एक टेम्पलेट बन चुका है जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप कमोबेश एक सी रहती है। जैसे एक विशेष तरह की मूवीज को यश चोपड़ा मूवीज कहा जाने लगा था, अभी नई तरह की मूवीज को आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव विधा की मूवीज कह दिया जाने लगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये दोनों कलाकार जाने अनजाने इस टेम्पलेट का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसका हल, जिसका क्लाइमेक्स समाज की कुरीतियों को तोड़ता है, एक टाइम को खत्म करने की कोशिश करता है, एक मजबूत सामाजिक संदेश देता है, चाहे वो स्त्री विमर्श को लेकर, नपुंसकता को लेकर हो, स्पर्म डोनेशन को लेकर हो या बॉडी शेमिंग को लेकर हो। एक ऐसा शहर जो काउ बेल्ट हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, जैसे अधिकतर यूपी और कभी कभी एमपी या राजस्थान। हास जो आंचलिक भाषा के प्रयोग से जन्मा हो और भाषा जिसमें वहाँ के लोकल स्लैंग्स इस्तेमाल किए हों, जैसे भौकाल, ऐसे शब्द जिनमें उस अंचल का फ्लेवर हो, जैसे रेणु और मनोहर श्याम जोशी की कहानियों में आपको पढ़ते हुए मालूम चल पड़ जाता है कि फला जगह के किरदार हैं। ये अलग बात है कि रेणु और मनोहर श्याम जोशी को पढ़ते हुए उनकी आंचलिकता आपको गुदगुदाती है, मगर इन फिल्मों में इस्तेमाल हुए शब्द कई बार जबरन घुसाए से भी मालूम जान पड़ते हैं। कहानियों का ट्रीटमेंट सच्चा सा, बहुत गाढ़ा और सजाया हुआ नहीं, करण जौहर और भंसाली की फिल्मों जैसा आलीशान नहीं। इनके घर हमारे आपके घरों की तरह है। घर की दीवारों में आई सीलन, सब्जी खरीदने के लिए पकड़ा गया हाथ का झोला, सड़क पर लगा जाम और शाम को परिवार का लत फत कर टीवी देखते हुए किचकिच करना, मतलब वो दुनिया जो हम जानते हैं। और भी कई चीजें हैं इस टेम्पलेट में टेक्निकल और क्राफ्ट के स्तर पर, लेकिन चूंकि अभी इस फार्मूले वाले फल में काफी रस है, इसलिए इसे और निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जाएगा। तब तक आनंद लीजिए जब तक ले सकेंगे और इंतजार कीजिए एक और नई क्रांति का। वो कौन सी बातें हैं जो फिल्म बाला को अभी से सुपर हिट फिल्म बनाती है और फिल्म की कहानी क्या होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया है, वो फिल्म जो एक गंभीर विवाद में फंसी हुई थी। विवाद पर हम थोड़ा रुककर रोशनी डालेंगे, पहले आपको फिल्म की जरूरी बातें बता देते हैं, जैसे कि आयुष्मान के अलावा फिल्म में और कौन कौन काम कर रहा है, फिल्म का नाम और कहानी क्या है, कौन बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप फिल्म का फर्स्ट लुक देख लीजिए जो एक्टर आयुष्मान खुराना ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, हवा में एक्साइटमेंट है, बाला की शूटिंग आज से शुरू। वैसे तो आप समझदार हैं, पोस्टर देखकर थोड़ी बहुत कहानी तो गैस कर ही ली होगी। खैर, फिल्म का नाम बाला है और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन कहानी क्या है? दरअसल ये फिल्म प्री मैच्योर बॉल्डनेस यानी कि कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है, जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में ही झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है, लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं। इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। आपको बता दें कि लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा फिल्म में दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। आपको बता दें इसकी शूटिंग फिलहाल तो मुंबई में शुरू हुई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना एक गंजे आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो उनके साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी इससे पहले दम लगा के हईसा और शुभ मंगल सावधान में एक साथ नजर आ चुकी है और इन दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया था। भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इस सफर के शुरू होने की जानकारी दी है। इसके अलावा मडॉक फिल्म्स ने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। आयुष्मान खुराना की लगभग सारी फिल्म शानदार होती है और जहां वो फिल्म में एक नए कैरेक्टर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे, तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट फैंस का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाला के टीजर की खासियत क्या है, क्या होगी इस फिल्म की कहानी,
कौन कौन काम कर रहा है इस फिल्म में और क्या है फिल्म से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना की एक और नई फिल्म का टीजर आ गया है। एक और इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। अब जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है बाला। पहले ये फिल्म एक सीरियस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। खैर, प्रॉब्लम पर हम थोड़ी देर में रुककर बात करेंगे, सबसे पहले टीजर पर बात कर लेते हैं। तो टीजर में क्या दिख रहा है? टीजर ओपन होता है आयुष्मान खुराना बाइक पर टशन दिखाते हुए, गाना गाते हुए, वो भी शाहरुख खान का कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर आता है एक तेज हवा का झोंका और उनकी पहनी टोपी उड़ जाती है और साथ ही उड़ जाती है उनके चेहरे की हवाइयां। उसके बाद आयुष्मान बुझी हुई शक्ल बना लेते हैं और बैकग्राउंड में राजेश खन्ना का रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार बजने लग जाता है। क्यों? अरे भाई, कुछ चीजों का मजा खुद देखने में होता है, तो जाइए टीजर देकर आइए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मगर इससे पहले जान लीजिए कि इस काफी मजेदार टीजर में दो बातें साफ दिख रही हैं। पहली, आयुष्मान खुराना के करियर का बढ़ता हुआ ग्राफ, और दूसरी, चैलेंजिंग रोल्स चुनने और उन्हें निभाने के गट्स। गट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने करियर के पीक पर ऐसा रोल प्ले करने से पहले कोई भी एक्टर 10 बार सोचेगा। फिल्म की कहानी क्या है? ये फिल्म प्री मैच्योर बालनेस यानी कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है। जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है। लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं। इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए अभिषेक बैनर्जी, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्ट्रेस को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। इसकी शूटिंग 6 मई को मुंबई में शुरू हुई थी लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए गए हैं। अब आती है बात फिल्म से जुड़ी उस बड़ी प्रॉब्लम की। बाला के मेकर्स पर फिल्म की कहानी चुराने का आरोप लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है और राइटर कमल कांत चंद्रा ने दर्ज करवाया है कि वो इस कहानी के ओरिजिनल राइटर हैं। इस सब के बावजूद फिल्म की शूटिंग का आगाज हो चुका है। फिलहाल बाला की रिलीज डेट 22 नवंबर 2019 है और अब इसके ट्रेलर का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक बाला के ट्रेलर की खास बातें क्या हैं, क्यों होगी ये फिल्म सुपरहिट और फिल्म को प्रीपोन क्यों किया गया। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर काफी मजेदार है और इसमें बाला यानी आयुष्मान खुराना को ही अपनी कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस झलक में आयुष्मान तो मजेदार है ही, शेष कलाकारों ने भी मामला संभाल रखा है। फिल्म की हीरोइनों को भी यहाँ देखा जा सकता है। भूमि के अलावा इसमें यामी गौतम भी है। बिना बाल वाले आयुष्मान की कहानी वाकई मजेदार है और लग रहा है कि वो एक और हिट देने वाले हैं। ऐसा होता है तो ये उनकी 7वीं हिट होगी। ट्रेलर में इसके एक गाने की धुन भी है जो काफी अच्छी है। कुछ वाकई मजेदार डायलॉग्स भी इसमें हैं। आज सुबह ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जाहिर किया गया था। इसकी घोषणा के लिए एक पोस्टर जारी हुआ था। मेकर्स ने तभी बता दिया था कि आज ही इसका ट्रेलर आ जाएगा। अब इस फिल्म की रिलीज में बमुश्किल एक महीना शेष है। 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है जबकि पहले ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसी के विषय पर बनी उजड़ा चमन की वजह से इसे जल्द रिलीज किया जा रहा है। उजड़ा चमन में हीरो हैं सनी सिंह और ये 8 नवंबर को रिलीज हो रही है।
उजड़ा चमन का ट्रेलर पिछले महीने ही आ चुका है और इसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के पीछे प्यार का पंचनामा से काफी नाम जुड़े हुए हैं। प्यार का पंचनामा में सनी सिंह ने काम किया था और इसी में कार्तिक आर्यन भी उनके साथ थे। बता दें कि बाला का टीजर अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही आ गया था। ये टीजर भी मजेदार है। इसमें शाहरुख खान के दो गानों से आयुष्मान खुराना की हालत बयां की गई है। स्त्री फेम अमर कौशिक बाला के निर्देशक हैं और उम्र से पहले गायब हो रहे बालों से परेशान हीरो की कहानी को इसमें दिखाया जा रहा है। कानपुर में इसे शूट किया गया है और इस फिल्म में जावेद जाफरी के साथ सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा भी है। आयुष्मान खुराना एक के बाद एक नए टॉपिक्स पर फिल्में ला रहे हैं और लोगों के दिलों को भा रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से दो शिकार कैसे किए और उन दो तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म दो अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों, ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्टूबर और नवंबर में आई बॉलीवुड फिल्मों ने किया कितना कलेक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मूवी ने कितना कर लिया है टोटल कलेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे चहेते आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से। बाला मूवी ने बॉक्स ऑफिस में जलवा मचा कर रखा हुआ है। बाला ने दूसरे हफ्ते में कुल 82.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही बाला तेजी से बॉलीवुड के 100 करोड़ के क्लब में बढ़ रही है। फिल्म बाला ने रिलीज के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 3.76 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे शनिवार को ये कमाई बढ़कर 6.73 करोड़ रुपए की हो गई। फिल्म ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने संभावना जताई है कि रविवार को भी बाला की कमाई तेजी से बढ़ सकती है।
रविवार को ये कमाई 90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उल्लेखनीय ये है, बाला के डायरेक्टर अमर कमाल ने इस फिल्म के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि फिल्म का प्रमोशन और विज्ञापन पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस लिहाज से फिल्म का बजट 45 करोड़ है, जबकि बाला को करीब 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वहीं बात की जाए उजड़ा चमन, जो कि पिछले शुक्रवार यानी 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, और बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट के अनुसार फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक 2.35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। शनिवार को फिल्म ने 3.30 करोड़ और रविवार को 3.61 करोड़ जमा किए थे। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन लगभग 90 लाख रहा, जबकि मंगलवार को 80 लाख, बुधवार को 70 लाख और गुरुवार को 60 लाख। पहले हफ्ते में उजड़ा चमन ने 12.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। उजड़ा चमन का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, जिन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्टोरियल पारी की शुरुआत की है। अब बात की जाए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और कृति सैनन की हाउसफुल 4 की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है और इसकी कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अब कमाई के मीटर ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म के रिलीज को 3 सप्ताह हो गए हैं, हालांकि फिर भी फिल्म की कमाई में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 बॉलीवुड इतिहास की दूसरी ऐसी कॉमेडी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ। अब यहाँ बात की जाती है सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख की मरजावा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी की मोती चूर चकनाचूर, जो कि 15 नवंबर को रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन अच्छी कमाई की। मरजावा ने 7 करोड़ से ज्यादा और मोती चकनाचूर लगभग 4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे दिन वीकेंड की वजह से दोनों ही फिल्में अच्छा कमाई करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और रितेश की मरजावा ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो रविवार की छुट्टी की वजह से इस कमाई के तीसरे दिन में काफी इजाफा हो सकता है। अब बात की जाए साउथ के सुपरस्टार थलापति विजेश और उनकी अपकमिंग फिल्म बिगिल, जो 25 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। बिगिल को स्लीपर हिट करार दिया गया है। इसका सारा श्रेय थलापति विजय और उनकी फैन फॉलोइंग को जाता है। सिर्फ 7 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन में थलापति विजय की फिल्म बिगिल ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली, हालांकि वीकडेज पर फिर से फिल्म ने कमाई में बढ़ोतरी की। बिगिल थलापति की लगातार 4th ऐसी फिल्म है जिसने चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 9 दिन में इसने 10.07 करोड़ का बिजनेस किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात की जाए मेरी फेवरेट मूवी वॉर की, जिसने 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और 14 नवंबर को इसकी रिलीज को 6 हफ्ते पूरे हो गए थे। वॉर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की गई थी। इन 6 हफ्तों में फिल्म ने 317.77 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से 300.310 हिंदी भाषा से मिले हैं, जबकि 14.67 करोड़ तमिल और तेलुगु से आए हैं। 6 हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने 69 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि तमिल और तेलुगु से 7 लाख रुपए बटोरे गए। वॉर के कलेक्शन में अब ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिलीज को 1.5 महीना हो चुका है। इसी के साथ अब मैं अपनी बातों पर लगाता हूँ फुल स्टॉप और आपसे अलविदा लेने की इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए आप हमारी बॉलीग्रैड की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहिए, और जी हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, और आपको अच्छी लगी तो शेयर और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां थी इस वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू सून।
दोस्तों आयुष्मान खुराना ने एक तीर से दो शिकार कैसे किए और उन दो तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म दो अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी, ये सब बाला फिल्म में क्यों है और इस फिल्म की खास बातें क्या है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रन और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी आर्टिस्ट या क्रिएटर का ड्रीम होता है ऑडियंस का भरपूर प्यार पाना। इसी प्यार का सबूत है आज बॉलीग्राड परिवार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। ये मुकाम बिना आपके प्यार और साथ के मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इसी मंडे यानी 11 नवंबर को हम एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं जिसमें हर दिन हमारे किसी एक ऑडियंस को ₹1000 इनाम भी दिया जाएगा। हर एक दिन ₹1000। हमारा सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है बेल आइकन यानी अरे भैया घंटी दबा दीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाल मुकुंद इमोशनल होते हुए कहता है कि नहाने के तुरंत बाद वो अपना कच्छा नहीं अपना बिग पहनता है, इसलिए कि बिग ना पहनना हो तो उसे लगता है कि वो नंगा हो गया है। उसका ये कहना सुनकर आपके अंदर हास्य और करुणा एक साथ जन्मती है। हास्य और पीड़ा का ये भी जोड़ आप पूरी फिल्म में पाते, वही जोड़ जिसके बारे में शायद चार्ली चैपलिन कह गए कि ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी। और इस फिल्म की कहानी क्या है? काफी विवादों के बाद आखिरकार 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म बाला। ये कहानी है बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला की। बाला कानपुर का एक सेल्समैन है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसका बॉस उससे फील्ड वर्क चुवा कर उसे ऑफिस वर्क दे देता है, काइंड ऑफ डिमोशन। और डिमोशन इसलिए क्योंकि उसके बाल नहीं है। बाला गंजा है इसलिए बॉस और समाज की नजर में उसकी पर्सनालिटी ठंडी है। बाल नहीं है तो चार्म नहीं। बाल ना होने के चलते ही उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, बचपन वाली ब्रेकअप कर लेती है। बाल ना होने के चलते उसकी शादी नहीं होती। बाल ना होने के चलते ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। यानी सारी मुसीबतों की जड़ बाल ही है। बाल मतलब बालों का ना होना,
होने को एक लड़की है जो बाला को पसंद करती है बचपन से, लेकिन बाला उसे पसंद करना तो दूर उसकी मजाक और उड़ाता है क्योंकि वो लड़की सांवली है। इन्हीं सब दुखों के बीच जब एक दिन उसके पिता उसे बालों का बिग गिफ्ट कर देते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लखनऊ की एक टिकटॉक सेलिब्रिटी उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव के रास्ते स्वीकारता की कहानी कहती है बाला। इस फिल्म का मैनरिज्म क्या है? फिल्म में 80% घटनाएं कानपुर और बाकी 20% चीजें लखनऊ में घटती हैं। फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट, डायरेक्टर अमर कौशिक, सिनेमेटोग्राफर अनुज राकेश धवन और बाकी की टीम ने इन शहरों के फ्लेवर को मस्त पकड़ा है। शहरों का मैनरिज्म, वहां की बोली, वहां के छोटे छोटे लोकल शब्द जैसे कान्हेपुर, लभेड़, वहां के इलाके, इन सब का एक नेचुरल सा रंग है फिल्म में। वैसे मूवी में वन लाइनर डायलॉग्स और बोली इन सब में एक चटखारा है। समझिए कि एक खास किसके लहजे की आंच में बहुत स्वादिष्ट ह्यूमर पकाया गया है और मूवी के डायलॉग्स इसका सबसे स्ट्रांग डिपार्टमेंट बन गए हैं। कुछ डायलॉग्स जो सिनेमा हॉल से निकलकर अब भी मेरे साथ है, उनकी मिसाल देखिए। हेयर लॉस नहीं आइडेंटिटी लॉस हो रहा है हमारा, जितने भी विकेट बचे हैं उनके रहते अपनी इनिंग बचा लो, पूरा यूपी भगवान के भरोसे है। बाला के भाई के हिस्से आया एक मोनोलॉग बिना क्रीपी हुए प्यार का पंचनामा वाले मोनोलॉग की याद दिलाता है। अपने ह्यूमर कोसेंट और तेज तेज बोले जाने के चलते मूवी में कभी कभी ह्यूमर बैंक का रूप भी ले लेता है जब वो सच्चाई के साथ मिक्स हो जाता है। आयुष्मान खुराना हो या भूमि पेड़ेकर, दोनों ही लीड एक्ट्रेस ने अदाकारी के सारे बॉक्स चेक किए हैं। कनपुरिया लहजा और भाव भाव बढ़िया पकड़ा, लेकिन मेकअप का जो एडवांटेज आयुष्मान को मिला है वो भूमि नहीं पा सकी। मतलब आयुष्मान अगर एक गंजे आदमी का किरदार कर रहे हैं तो उनका मेकअप कभी भी हमें अन्यथा सोचने का मौका नहीं देता, जबकि भूमि का सांवला रंग काफी हद तक बनावटी लगता है। जावेद जाफरी ने अमिताभ बच्चन को अच्छा कॉपी किया है, लेकिन ट्रेलर में उनको देखकर जो ह्यूमर की उम्मीद जगती है वो मूवी में पूरा नहीं हो पाती। उनके छोटे और नॉट सो ह्यूमर्स रोल के चलते ऐसा लगता है कि उनका किरदार बेकार ही चला गया, फिल्म में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए जाफरी। बाला के पिता बने सौरभ शुक्ला के लिए तो क्या ही कहें, वो आलू हैं, जहां डालो अपना स्वाद अपनी जगह बना लेते। यमी की एक्टिंग तो ओके है, लेकिन उनका करेक्टर परी गले के नीचे जाते हुए अटकता है, आपको एक्स्ट्रा जतन करके इसको निगलना पड़ता है। कारण ये भी वो अविश्वसनीय लगती है, उनके किरदार का एक्सट्रीम दर्शकों को कन्विंस नहीं कर पाता। मूवी इंटरवल से पहले फुल ऑन एंटरटेनिंग है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि धक्का दे देकर चल रही है, वैसी मक्खन चाल नहीं रह पाती। स्क्रिप्ट कई जगहों पर ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ और करते, क्योंकि कहानी का वो प्लाट बहुत ही अब्यूस मालूम पड़ता है। मसलन एक लीड करेक्टर कुछ कन्फेशन करने वाला होता है, मगर उसके ऐसा करने से ठीक पहले ही दूसरे लीड करेक्टर को सच्चाई पता लग गई, फिर इस सहयोग के दम पर कहानी में कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ये बहुत घिसा पिटा फार्मूला है। ऐसी ही कई और चीजें हैं जिसके चलते फिल्म वैसी रिफ्रेशिंग वाली फील नहीं दे पाती जैसे कभी दम लगा के आयशा ने दी थी। मैंने दम लगा के आयशा की बात इसलिए की क्योंकि दोनों फिल्मों के लीड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कहानी के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा समानताएं हैं। दोनों फिल्मों की कहानियों में एक पुरुष किरदार है जो खुद परफेक्ट नहीं होते हुए भी परफेक्ट स्त्री की चाह रखता है, और तो और 90s के नॉस्टैल्जिया को कैश कराने का प्रयास भी दोनों ही फिल्मों में है। वहां कुमार सानू के माध्यम से था, यहां फैंटम नाम की बच्चों को सिगरेट के माध्यम से। डायरेक्शन की बात करें तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में कुछ एक सीन बड़े इमोशनल बन पड़े हैं, जैसे स्टूडेंट रियूनियन वाला सीन, मगर बात बनती हुई लगती नहीं। ज्यादातर सीन अधपके हैं, जैसे बाप बेटे का कन्फ्लिक्ट। कोशिश की जाती, थोड़ा सोचा जाता तो ये सीन बड़े असरदार बन सकते थे। अगर आपने अवार्ड विनिंग वेब सीरीज गुल्लक देखी है तो आपको बाला का घर और गुल्लक के मिश्रा जी का घर एक ही लगेगा। दोनों घरों की एक विशेषता है, एकदम सच्चे लगते हैं, ऐसे कि आपको अपने बचपन के घर का अस्त व्यस्त पनरा याद आता है। बाला के हर सीन की रियलिटी से पकी वाली यारी देखने को मिलती है, और ये डायरेक्टर अमर कौशिक और उसके साथी प्रोड्यूसर दिनेश बिजन की खासियत भी रही है। इनकी पिछली फिल्म स्त्री याद कीजिए, रेफरेंसेस और प्रॉप्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जैसे टिकटॉक जिसे टियर टू सिटी का ट्यूटर भी कहा जाता है। टिकटॉक इस फिल्म का कहानी के नरेशन का एक जरूरी हिस्सा है।
ये शायद पहले किसी मूवी में इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया होगा। बाकी 90s की वो फैंटम वाली बच्चों की सिगरेट जैसे छोटे मोटे रेफरेंसेस तो है ही। फिल्म का म्यूजिक बहुत औसत है, माने अपुन सुना और भूल गया, आप इसे गुनगुनाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, इतना जरूरी है कि गानों के शब्द, इसकी लिरिक्स बहुत चुटीली और फ्रेश है। फिर चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल हुआ गीत हो या टकीला सॉन्ग एंड क्रेडिट में यूज हुआ गीत डोंट बी शाय, बादशाह के म्यूजिक के चलते अच्छा लगता है। किसी संस्कृत के श्लोक की पैरोडी टाइप लगता मोटिवेशनल सॉन्ग भी अपने कंटेंट में क्रिएटिव तो काफी है, लेकिन फुल लेंथ फीचर फिल्म की जो एक जिंदगी होती है उसे थोड़ा कमजोर करता है। प्यार तो था कि मेलोडी प्रभावित नहीं करती, वो बस आया गया टाइप कोई औसत से नीचे का गाना बनकर रह जाता है। अगर आपने बाला के गाने सुने हो तो गौर किया हो, शायद फिल्म की कहानी यूपी के बैकड्रॉप में बढ़ती है, मर गाने अधिकतर पंजाबी हैं। उजड़ा चमन और बाला में क्या समानताएं हैं? पिछले हफ्ते कन्नड़ मूवी ओ टू मटैया काठे की ऑफिशियल हिंदी रिमेक उजड़ा चमन रिलीज हुई थी, उसके साथ बाला का काफी विवाद चला था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मसला ये था कि दोनों की स्क्रिप्ट एक सी थी। अब चूंकि हमने दोनों ही मूवीज देख ली है तो हमें मालूम है कि दोनों फिल्मों का मूल विषय बेशक एक सा हो, लेकिन स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के चलते दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिल्में हो जाती हैं। दोनों फिल्मों की तुलना जब भी मेट का एक डायलॉग सबसे बेहतर तरीके से करता है, एक इंच की बेड और मीलों की दूरी, बस यही दूरी है दोनों फिल्मों के बीच। होने को दोनों फिल्मों की तुलना को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो बता दें कि बाला पहली नजर में 21 साबित होती दिखती है। 90 के दशक में जब हम वही शिफॉन की साड़ियां, वही बर्फ के पहाड़ वाला बैकग्राउंड, वही लो एंगल कैमरा, वही स्लो मोशन देख देख कर उकता गए तो नई तरह की कहानियां आई। छोटे शहरों की कहानियां, बिक्की डोनर, मसान, दम लगा के ऐसा, बरेली की बर्फी, स्त्री, शुभ मंगल सावधान, तनु वेड्स मनु, बधाई हो, ये शुरुआत एक परंपरा के टूटने से हुई। जोखिम लेने की हिम्मत से उपजी ये फिल्में, लेकिन बाला तक आते आते इस क्रांति से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट भी एक नई क्रांति के लिए कस मसाने सा लगा है। एक नए तरह के कॉन्सेप्ट का इतनी जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाना डॉक्टर चिहोंगो की क्रांति की याद दिलाता है। जैसे शोले के बाद आई डाकू वाली फिल्में, जय संतोषी माँ के बाद आई भगवान और भक्त वाली फिल्में, हम आपके हैं कौन के बाद आई शादी ब्याह वाली फिल्में, DDLJ के बाद आई विदेशी और हाई फाई विदेशी लोकेशंस वाली फिल्में, इस नई वाली विधा का भी एक टेम्पलेट बन चुका है जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप कमोबेश एक सी रहती है। जैसे एक विशेष तरह की मूवीज को यश चोपड़ा मूवीज कहा जाने लगा था, अभी नई तरह की मूवीज को आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव विधा की मूवीज कह दिया जाने लगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कलाकार जाने अनजाने इस टेम्पलेट का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसका हल, जिसका क्लाइमेक्स समाज की कुरीतियों को तोड़ता है, एक टैबू को खत्म करने की कोशिश करता है, एक मजबूत सामाजिक संदेश देता है, चाहे वो स्त्री विमर्श को लेकर, नपुंसकता को लेकर हो, स्पर्म डोनेशन को लेकर हो या बॉडी शेमिंग को लेकर हो। एक ऐसा शहर जो काउ बेल्ट हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, जैसे अधिकतर यूपी और कभी कभी MP या राजस्थान, हास जो आंचलिक भाषा के प्रयोग से जन्मा हो और भाषा जिसमें वहां के लोकल स्लैंग्स इस्तेमाल किए हों, जैसे भौकाल, ऐसे सब जिनमें उस अंचल का फ्लेवर हो, जैसे रेणु और मनोहर श्याम जोशी की कहानियों में आपको पढ़ते हुए मालूम चल पड़ जाता है कि फला जगह के किरदार हैं। ये अलग बात है कि रेणु और मनोहर श्याम जोशी को पढ़ते हुए उनकी आंचलिकता आपको गुदगुदाती है, मगर इन फिल्मों में इस्तेमाल हुए शब्द कई बार जबरन घुसाए से भी मालूम जान पड़ते हैं। कहानियों का ट्रीटमेंट सच्चा सा, बहुत गाढ़ा और सजाया हुआ नहीं, करण जौहर और भंसाली की फिल्मों जैसा आलीशान नहीं, इनके घर हमारे आपके घरों की तरह है। घर की दीवारों में आई सीलन, सब्जी खरीदने के लिए पकड़ा गया हाथ का झोला, सड़क पर लगा जाम और शाम को परिवार का लत फत कर TV देखते हुए किचकिच करना, मतलब वो दुनिया जो हम जानते हैं। और भी कई चीजें हैं इस टेम्पलेट में टेक्निकल और क्राफ्ट के स्तर पर, लेकिन चूंकि अभी इस फार्मूले वाले फल में काफी रस है इसलिए इसे और निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जाएगा, तब तक आनंद लीजिए जब तक ले सकेंगे और इंतजार कीजिए एक और नई क्रांति का। वो कौन सी बातें हैं जो फिल्म बाला को अभी से सुपर हिट फिल्म बनाती है और फिल्म की कहानी क्या होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में।
आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया है। वो फिल्म जो एक गंभीर विवाद में फंसी हुई थी। विवाद पर हम थोड़ा रुककर रोशनी डालेंगे, पहले आपको फिल्म की जरूरी बातें बता देते हैं। जैसे ही आयुष्मान के अलावा फिल्म में और कौन कौन काम कर रहा है, फिल्म का नाम और कहानी क्या है, कौन बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप फिल्म का फर्स्ट लुक देख लीजिए जो एक्टर आयुष्मान खुराना ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, हवा में एक्साइटमेंट है, बाला की शूटिंग आज से शुरू। वैसे तो आप समझदार हैं, पोस्टर देखकर थोड़ी बहुत कहानी तो गैस कर ही ली होगी। खैर, फिल्म का नाम बाला है और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन कहानी क्या है? दरअसल ये फिल्म प्री मैच्योर बॉल्डनेस यानी कि कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है, जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में ही झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है, लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं। इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। आपको बता दें कि लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा फिल्म में दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। आपको बता दें इसकी शूटिंग फिलहाल तो मुंबई में शुरू हुई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना एक गंजे आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो उनके साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी इससे पहले दम लगा के हईसा और शुभ मंगल सावधान में एक साथ नजर आ चुकी है और इन दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया था। भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इस सफर के शुरू होने की जानकारी दी है। इसके अलावा मडॉक फिल्म्स ने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। आयुष्मान खुराना की लगभग सारी फिल्म शानदार होती है और जहां वो फिल्म में एक नए कैरेक्टर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे, तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट फैंस का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाला के टीजर की खासियत क्या है, क्या होगी इस फिल्म की कहानी, कौन कौन काम कर रहा है इस फिल्म में और क्या है फिल्म से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना की एक और नई फिल्म का टीजर आ गया है। एक और इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। अब जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है बाला। पहले ये फिल्म एक सीरियस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। खैर, प्रॉब्लम पर हम थोड़ी देर में रुककर बात करेंगे, सबसे पहले टीजर पर बात कर लेते हैं। तो टीजर में क्या दिख रहा है? टीजर ओपन होता है आयुष्मान खुराना बाइक पर टशन दिखाते हुए, गाना गाते हुए, वो भी शाहरुख खान का कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर आता है एक तेज हवा का झोंका और उनकी पहनी टोपी उड़ जाती है और साथ ही उड़ जाती है उनके चेहरे की हवाइयाँ। उसके बाद आयुष्मान बुझी हुई शक्ल बना लेते हैं और बैकग्राउंड में राजेश खन्ना का रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार बजने लग जाता है। क्यों? अरे भाई, कुछ चीज़ों का मजा खुद देखने में होता है। तो जाइए टीजर देकर आइए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मगर इससे पहले जान लीजिए कि इस काफ़ी मज़ेदार टीजर में दो बातें साफ दिख रही हैं। पहली, आयुष्मान खुराना के करियर का बढ़ता हुआ ग्राफ और दूसरी, चैलेंजिंग रोल्स चुनने और उन्हें निभाने के गट्स। गट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने करियर के पीक पर ऐसा रोल प्ले करने से पहले कोई भी एक्टर 10 बार सोचेगा। फिल्म की कहानी क्या है? ये फिल्म प्री मैच्योर बाल्डनेस यानी कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है, जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में झड़ गए हैं।
वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है। लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं, इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए अभिषेक बैनर्जी, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर्स को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन हैं। इसकी शूटिंग 6 मई को मुंबई में शुरू हुई थी लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए गए हैं। अब आती है बात फिल्म से जुड़ी उस बड़ी प्रॉब्लम की। बाला के मेकर्स पर फिल्म की कहानी चुराने का आरोप लगा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है और राइटर कमलकांत चंद्रा ने दर्ज करवाया है कि वो इस कहानी के ओरिजिनल राइटर हैं। इस सब के बावजूद फिल्म की शूटिंग का आगाज हो चुका है। फिलहाल बाला की रिलीज डेट 22 नवंबर 2019 है और अब इसके ट्रेलर का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक बाला के ट्रेलर की खास बातें क्या हैं, क्यों होगी ये फिल्म सुपरहिट और फिल्म को प्रीपोन क्यों किया गया। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार है और इसमें बाला यानी आयुष्मान खुराना को ही अपनी कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस झलक में आयुष्मान तो मज़ेदार हैं ही, शेष कलाकारों ने भी मामला संभाल रखा है। फिल्म की हीरोइनों को भी यहाँ देखा जा सकता है, भूमि के अलावा इसमें यामी गौतम भी हैं। बिना बाल वाले आयुष्मान की कहानी वाकई मज़ेदार है और लग रहा है कि वो एक और हिट देने वाले हैं। ऐसा होता है तो ये उनकी 7वीं हिट होगी। ट्रेलर में इसके एक गाने की धुन भी है जो काफ़ी अच्छी है, कुछ वाकई मज़ेदार डायलॉग्स भी इसमें हैं। आज सुबह ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जाहिर किया गया था, इसकी घोषणा के लिए एक पोस्टर जारी हुआ था। मेकर्स ने तभी बता दिया था कि आज ही इसका ट्रेलर आ जाएगा। अब इस फिल्म की रिलीज में बमुश्किल एक महीना शेष है। 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है जबकि पहले ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसी के विषय पर बनी उजड़ा चमन की वजह से इसे जल्द रिलीज किया जा रहा है। उजड़ा चमन में हीरो हैं सनी सिंह और ये 8 नवंबर को रिलीज हो रही है। उजड़ा चमन का ट्रेलर पिछले महीने ही आ चुका है और इसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के पीछे प्यार का पंचनामा से काफी नाम जुड़े हुए हैं। प्यार का पंचनामा में सनी सिंह ने काम किया था और इसी में कार्तिक आर्यन भी उनके साथ थे। बता दें कि बाला का टीजर अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही आ गया था। ये टीजर भी मज़ेदार है, इसमें शाहरुख खान के दो गानों से आयुष्मान खुराना की हालत बयां की गई है। स्त्री फेम अमर कौशिक बाला के निर्देशक हैं और उम्र से पहले गायब हो रहे बालों से परेशान हीरो की कहानी को इसमें दिखाया जा रहा है। कानपुर में इसे शूट किया गया है और इस फिल्म में जावेद जाफरी के साथ सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा भी हैं। आयुष्मान खुराना एक के बाद एक नए टॉपिक्स पर फिल्में ला रहे हैं और लोगों के दिलों को भा रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से दो शिकार कैसे किए और उन दो तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म
हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है। और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म दो अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्टूबर और नवंबर में आई बॉलीवुड फिल्मों ने किया कितना कलेक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मूवी ने कितना कर लिया है टोटल कलेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे चहीते आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से। बाला मूवी ने बॉक्स ऑफिस में जलवा मचा कर रखा हुआ है। बाला ने दूसरे हफ्ते में कुल 82.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही बाला तेजी से बॉलीवुड के 100 करोड़ के क्लब में बढ़ रही है। फिल्म बाला ने रिलीज के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 3.76 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे शनिवार को ये कमाई बढ़कर 6.73 करोड़ रुपए की हो गई। फिल्म ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने संभावना जताई है कि रविवार को भी बाला की कमाई तेजी से बढ़ सकती है। रविवार को ये कमाई 90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उल्लेखनीय ये है बाला के डायरेक्टर अमर कमाल ने इस फिल्म के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे जबकि फिल्म का प्रमोशन और विज्ञापन पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस लिहाज से फिल्म का बजट 45 करोड़ है जबकि बाला को करीब 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वहीं बात की जाए उजड़ा चमन जो कि पिछले शुक्रवार यानी 1 नवंबर को रिलीज हुई थी और बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट के अनुसार फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक 2.35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। शनिवार को फिल्म ने 3.30 करोड़ और रविवार को 3.61 करोड़ जमा किए थे। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन लगभग 90 लाख रहा जबकि मंगलवार को 80 लाख, बुधवार को 70 लाख और गुरुवार को 60 लाख। पहले हफ्ते में उजड़ा चमन ने 12.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। उजड़ा चमन का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है जिन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्टोरियल पारी की शुरुआत की है। अब बात की जाए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और कृति सैनन की हाउसफुल 4 की जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है और इसकी कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अब कमाई के मीटर ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म के रिलीज को 3 सप्ताह हो गए हैं, हालांकि फिर भी फिल्म की कमाई में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है।
फिलहाल अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 बॉलीवुड इतिहास की दूसरी ऐसी कॉमेडी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ। अब यहाँ बात की जाती है सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख की मरजावा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी की मोती चूर चकनाचूर, जो कि 15 नवंबर को रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन अच्छी कमाई की। मरजावा ने 7 करोड़ से ज्यादा और मोती चकनाचूर लगभग 4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे दिन वीकेंड की वजह से दोनों ही फिल्में अच्छा कमाई करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और रितेश की मरजावा ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो रविवार की छुट्टी की वजह से इस कमाई के तीसरे दिन में काफी इजाफा हो सकता है। अब बात की जाए साउथ के सुपरस्टार थलापति विजेश और उनकी अपकमिंग फिल्म बिगिल, जो 25 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। बिगिल को स्लीपर हिट करार दिया गया है। इसका सारा श्रेय थलापति विजय और उनकी फैन फॉलोइंग को जाता है। सिर्फ सात दिन में थलापति विजय की फिल्म बिगिल ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली, हालांकि वीकडेज पर फिर से फिल्म ने कमाई में बढ़ोतरी की। बिगिल थलापति की लगातार 4थी ऐसी फिल्म है जिसने चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 9 दिन में इसने 10.07 करोड़ का बिजनेस किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात की जाए मेरी फेवरेट मूवी वॉर की, जिसने 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और 14 नवंबर को इसकी रिलीज को 6 हफ्ते पूरे हो गए थे। वॉर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की गई थी। इन 6 हफ्तों में फिल्म ने 317.77 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से 300.310 हिंदी भाषा से मिले हैं, जबकि 14.67 करोड़ तमिल और तेलुगु से आए हैं। 6ठे हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने 69 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि तमिल और तेलुगु से 7 लाख रुपए बटोरे गए। वॉर के कलेक्शन में अब ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिलीज को 1.5 महीना हो चुका है। इसी के साथ अब मैं अपनी बातों पर लगाता हूँ फुल स्टॉप और आपसे अलविदा लेने की इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए आप हमारी बॉलीग्रैड की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहिए। और जी हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, और आपको अच्छी लगी तो शेयर और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां थी इस वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू सून। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए और उन 2 तीरों में से 1 तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2 अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में, यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है।
हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है, पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों, ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी, ये सब बाला फिल्म में क्यों है और इस फिल्म की खास बातें क्या है? थैंक यू, धन्यवाद शुक्रन, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी आर्टिस्ट या क्रिएटर का ड्रीम होता है ऑडियंस का भरपूर प्यार पाना। इसी प्यार का सबूत है आज बॉलीग्राड परिवार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। ये मुकाम बिना आपके प्यार और साथ के मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इसी मंडे यानी 11 नवंबर को हम एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर दिन हमारे किसी एक ऑडियंस को 1000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। हर एक दिन 1000 रुपए। हमारा सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है, बेल आइकन यानी अरे भैया घंटी दबा दीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाल मुकुंद इमोशनल होते हुए कहता है कि नहाने के तुरंत बाद वो अपना कच्छा नहीं अपना बिग पहनता है, इसलिए कि बिग ना पहनना हो तो उसे लगता है कि वो नंगा हो गया है। उसका ये कहना सुनकर आपके अंदर हास्य और करुणा एक साथ जन्मती है। हास्य और पीड़ा का ये भी जोड़ आप पूरी फिल्म में पाते, वही जोड़ जिसके बारे में शायद चार्ली चैपलिन कह गए कि ट्रेजडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी। और इस फिल्म की कहानी क्या है? काफी विवादों के बाद आखिरकार 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म बाला। ये कहानी है बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला की। बाला कानपुर का एक सेल्समैन है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसका बॉस उससे फील्ड वर्क छुआ कर उसे ऑफिस वर्क दे देता है, काइंड ऑफ डिमोशन। और डिमोशन इसलिए क्योंकि उसके बाल नहीं है। बाला गंजा है, इसलिए बॉस और समाज की नजर में उसकी पर्सनालिटी ठंडी है। बाल नहीं है तो चार्म नहीं है। बाल ना होने के चलते ही उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, बचपन वाली ब्रेकअप कर लेती है। बाल ना होने के चलते उसकी शादी नहीं होती। बाल ना होने के चलते ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। यानी सारी मुसीबतों की जड़ बाल ही है। बाल मतलब बालों का ना होना। होने को एक लड़की है जो बाला को पसंद करती है बचपन से, लेकिन बाला उसे पसंद करना तो दूर, उसकी मजाक और उड़ाता है क्योंकि वो लड़की सांवली है। इन्हीं सब दुखों के बीच जब एक दिन उसके पिता उसे बालों का बिग गिफ्ट कर देते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लखनऊ की एक टिकटॉक सेलिब्रिटी उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव के रास्ते स्वीकारता की कहानी कहती है बाला। इस फिल्म का मैनरिज्म क्या है? फिल्म में 80% घटनाएं कानपुर और बाकी 20% चीजें लखनऊ में घटती हैं। फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट, डायरेक्टर अमर कौशिक, सिनेमेटोग्राफर अनुज राकेश धवन और बाकी की टीम ने इन शहरों के फ्लेवर को मस्त पकड़ा है। शहरों का मैनरिज्म, वहाँ की बोली, वहाँ के छोटे छोटे लोकल शब्द जैसे कान्हेपुर, लभेड़, वहाँ के इलाके, इन सब का एक नेचुरल सा रंग है फिल्म में। वैसे मूवी में वन लाइनर डायलॉग्स और बोली इन सब में एक चटखारा है। समझिए कि एक खास किसके लहजे की आंच में बहुत स्वादिष्ट ह्यूमर पकाया गया है और मूवी के डायलॉग्स इसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बन गए हैं। कुछ डायलॉग्स जो सिनेमा हॉल से निकलकर
अब भी मेरे साथ है। उनकी मिसाल देखिए, हेयर लॉस नहीं आइडेंटिटी लॉस हो रहा है हमारा। जितने भी विकेट बचे हैं उनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। पूरा यूपी भगवान के भरोसे है। बाला के भाई के हिस्से आया एक मोनोलॉग बिना क्रीपी हुए प्यार का पंचनामा वाले मोनोलॉग की याद दिलाता है। अपने ह्यूमर कोसेंट और तेज तेज बोले जाने के चलते मूवी में कभी कभी ह्यूमर बैंक का रूप भी ले लेता है जब वो सच्चाई के साथ मिक्स हो जाता है। आयुष्मान खुराना हो या भूमि पेड़ेकर, दोनों ही लीड एक्ट्रेस ने अदाकारी के सारे बॉक्स चेक किए हैं। कनपुरिया लहजा और भाव भाव बढ़िया पकड़ा, लेकिन मेकअप का जो एडवांटेज आयुष्मान को मिला है वो भूमि नहीं पा सकी। मतलब आयुष्मान अगर एक गंजे आदमी का किरदार कर रहे हैं तो उनका मेकअप कभी भी हमें अन्यथा सोचने का मौका नहीं देता, जबकि भूमि का सांवला रंग काफी हद तक बनावटी लगता है। जावेद जाफरी ने अमिताभ बच्चन को अच्छा कॉपी किया है, लेकिन ट्रेलर में उनको देखकर जो ह्यूमर की उम्मीद जगती है वो मूवी में पूरा नहीं हो पाती। उनके छोटे और नॉट सो ह्यूमर्स रोल के चलते ऐसा लगता है कि उनका किरदार बेकार ही चला गया, फिल्म में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए। जाफरी बाला के पिता बने सौरभ शुक्ला के लिए तो क्या ही कहे, वो आलू हैं, जहां डालो अपना स्वाद अपनी जगह बना लेते। यमी की एक्टिंग तो ओके है, लेकिन उनका करेक्टर परी गले के नीचे जाते हुए अटकता है। आपको एक्स्ट्रा जतन करके इसको निगलना पड़ता है। कारण ये भी वो अविश्वसनीय लगती है, उनके किरदार का एक्सट्रीम दर्शकों को कन्विंस नहीं कर पाता। मूवी इंटरवल से पहले फुल ऑन एंटरटेनिंग है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि धक्का दे देकर चल रही है, वैसी मक्खन चाल नहीं रह पाती। स्क्रिप्ट कई जगहों पर ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ और करते, क्योंकि कहानी का वो प्लाट बहुत ही अब्यूस मालूम पड़ता है। मसलन एक लीड करेक्टर कुछ कन्फेशन करने वाला होता है, मगर उसके ऐसा करने से ठीक पहले ही दूसरे लीड करेक्टर को सच्चाई पता लग गई, फिर इस सहयोग के दम पर कहानी में कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ये बहुत घिसा पिटा फार्मूला है। ऐसी ही कई और चीजें हैं जिसके चलते फिल्म वैसी रिफ्रेशिंग वाली फील नहीं दे पाती जैसे कभी दम लगा के आयशा ने दी थी। मैंने दम लगा के आयशा की बात इसलिए की क्योंकि दोनों फिल्मों के लीड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कहानी के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा समानताएं हैं। दोनों फिल्मों की कहानियों में एक पुरुष किरदार है जो खुद परफेक्ट नहीं होते हुए भी परफेक्ट स्त्री की चाह रखता है, और तो और 90s के नॉस्टैल्जिया को कैश कराने का प्रयास भी दोनों ही फिल्मों में है। वहाँ कुमार सानू के माध्यम से था, यहाँ फैंटम नाम की बच्चों को सिगरेट के माध्यम से। डायरेक्शन की बात करें तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में कुछ एक सीन बड़े इमोशनल बन पड़े हैं, जैसे स्टूडेंट रियूनियन वाला सीन, मगर बात बनती हुई लगती नहीं। ज्यादातर सीन अधपके हैं, जैसे बाप बेटे का कन्फ्लिक्ट। कोशिश की जाती, थोड़ा सोचा जाता तो ये सीन बड़े असरदार बन सकते थे। अगर आपने अवार्ड विनिंग वेब सीरीज गुल्लक देखी है तो आपको बाला का घर और गुल्लक के मिश्रा जी का घर एक ही लगेगा। दोनों घरों की एक विशेषता है, एकदम सच्चे लगते हैं, ऐसे कि आपको अपने बचपन के घर का अस्त व्यस्त पनरा याद आता है। बाला के हर सीन की रियलिटी से पकी वाली यारी देखने को मिलती है, और ये डायरेक्टर अमर कौशिक और उसके साथी प्रोड्यूसर दिनेश बिजन की खासियत भी रही है। इनकी पिछली फिल्म स्त्री याद कीजिए, रेफरेंसेस और प्रॉप्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जैसे टिकटॉक जिसे टियर टू सिटी का ट्यूटर भी कहा जाता है। टिकटॉक इस फिल्म का कहानी के नरेशन का एक जरूरी हिस्सा है, ये शायद पहले किसी मूवी में इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया होगा। बाकी 90s की वो फैंटम वाली बच्चों की सिगरेट जैसे छोटे मोटे रेफरेंसेस तो है ही। फिल्म का म्यूजिक बहुत औसत है, माने अपुन सुना और भूल गया, आप इसे गुनगुनाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, इतना जरूरी है कि गानों के शब्द, इसकी लिरिक्स बहुत चुटीली और फ्रेश है। फिर चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल हुआ गीत हो या टकीला सॉन्ग एंड क्रेडिट में यूज हुआ गीत डोंट बी शाय, बादशाह के म्यूजिक के चलते अच्छा लगता है। किसी संस्कृत के श्लोक की पैरोडी टाइप लगता मोटिवेशनल सॉन्ग भी अपने कंटेंट में क्रिएटिव तो काफी है, लेकिन फुल लेंथ फीचर फिल्म की जो एक जिंदगी होती है उसे थोड़ा कमजोर करता है। प्यार तो था कि मेलोडी प्रभावित नहीं करती, वो बस आया गया टाइप कोई औसत से नीचे का गाना बनकर रह जाता है। अगर आपने बाला के गाने सुने हो तो गौर किया हो, शायद फिल्म की कहानी यूपी के बैकड्रॉप में बढ़ती है, मगर गाने अधिकतर पंजाबी हैं। उजड़ा चमन और बाला में क्या समानताएं हैं? पिछले हफ्ते कन्नड़ मूवी ओ टू मटैया काठे की ऑफिशियल हिंदी रिमेक उजड़ा चमन रिलीज हुई थी, उसके साथ बाला का काफी विवाद चला था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मसला ये था कि दोनों की स्क्रिप्ट एक सी थी। अब चूंकि हमने दोनों ही मूवीज देख ली है तो हमें मालूम है कि दोनों फिल्मों का मूल विषय बेशक एक सा हो,
लेकिन स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के चलते दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिल्में हो जाती हैं। दोनों फिल्मों की तुलना जब भी मेट का एक डायलॉग सबसे बेहतर तरीके से करता है, एक इंच की बेड और मीलों की दूरी, बस यही दूरी है दोनों फिल्मों के बीच। होने को दोनों फिल्मों की तुलना को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो बता दें कि बाला पहली नज़र में 21 साबित होती दिखती है। 90 के दशक में जब हम वही शिफॉन की साड़ियाँ, वही बर्फ के पहाड़ों वाला बैकग्राउंड, वही लो एंगल कैमरा, वही स्लो मोशन देख देख कर उकता गए तो नई तरह की कहानियाँ आई। छोटे शहरों की कहानियाँ, बिक्की डोनर, मसान, दम लगा के ऐसा, बरेली की बर्फी, स्त्री, शुभ मंगल सावधान, तनुवेट्स, मनु, बधाई हो, ये शुरुआत एक परंपरा के टूटने से हुई। जोखिम लेने की हिम्मत से उपजी ये फिल्में, लेकिन बाला तक आते आते इस क्रांति से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट भी एक नई क्रांति के लिए कस मसाने सा लगा है। एक नए तरह के कॉन्सेप्ट का इतनी जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाना डॉक्टर चिहोंगो की क्रांति की याद दिलाता है। जैसे शोले के बाद आई डाकू वाली फिल्में, जय संतोषी माँ के बाद आई भगवान और भक्त वाली फिल्में, हम आपके हैं कौन के बाद आई शादी ब्याह वाली फिल्में, DDLJ के बाद आई विदेशी और हाई फाई विदेशी लोकेशंस वाली फिल्में, इस नई वाली विधा का भी एक टेम्पलेट बन चुका है जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप कमोबेश एक सी रहती है। जैसे एक विशेष तरह की मूवीज को यश चोपड़ा मूवीज कहा जाने लगा था, अभी नई तरह की मूवीज को आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव विधा की मूवीज कह दिया जाने लगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कलाकार जाने अनजाने इस टेम्पलेट का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसका हल, जिसका क्लाइमेक्स समाज की कुरीतियों को तोड़ता है, एक टैबू को खत्म करने की कोशिश करता है, एक मजबूत सामाजिक संदेश देता है, चाहे वो स्त्री विमर्श को लेकर, नपुंसकता को लेकर हो, स्पर्म डोनेशन को लेकर हो या बॉडी शेमिंग को लेकर हो। एक ऐसा शहर जो काउ बेल्ट हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, जैसे अधिकतर यूपी और कभी कभी MP या राजस्थान। हास्य जो आंचलिक भाषा के प्रयोग से जन्मा हो और भाषा जिसमें वहाँ के लोकल स्लैंग्स इस्तेमाल किए हों, जैसे भौकाल, ऐसे शब्द जिनमें उस अंचल का फ्लेवर हो, जैसे रेणु और मनोहर श्याम जोशी की कहानियों में आपको पढ़ते हुए मालूम चल पड़ जाता है कि फला जगह के किरदार हैं। ये अलग बात है कि रेणु और मनोहर श्याम जोशी को पढ़ते हुए उनकी आंचलिकता आपको गुदगुदाती है, मगर इन फिल्मों में इस्तेमाल हुए शब्द कई बार जबरन घुसाए से भी मालूम जान पड़ते हैं। कहानियों का ट्रीटमेंट सच्चा सा बहुत गाढ़ा और सजाया हुआ नहीं, करण जौहर और भंसाली की फिल्मों जैसा आलीशान नहीं, इनके घर हमारे आपके घरों की तरह है। घर की दीवारों में आई सीलन, सब्जी खरीदने के लिए पकड़ा गया हाथ का झोला, सड़क पर लगा जाम और शाम को परिवार का लत फत कर टीवी देखते हुए किचकिच करना, मतलब वो दुनिया जो हम जानते हैं। और भी कई चीजें हैं इस टेम्पलेट में टेक्निकल और क्राफ्ट के स्तर पर, लेकिन चूंकि अभी इस फार्मूले वाले फल में काफी रस है इसलिए इसे और निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जाएगा, तब तक आनंद लीजिए जब तक ले सकेंगे और इंतजार कीजिए एक और नई क्रांति का। वो कौन सी बातें हैं जो फिल्म बाला को अभी से सुपर हिट फिल्म बनाती है और फिल्म की कहानी क्या होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया है, वो फिल्म जो एक गंभीर विवाद में फंसी हुई थी। विवाद पर हम थोड़ा रुककर रोशनी डालेंगे, पहले आपको फिल्म की जरूरी बातें बता देते हैं, जैसे कि आयुष्मान के अलावा फिल्म में और कौन कौन काम कर रहा है, फिल्म का नाम और कहानी क्या है, कौन बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप फिल्म का फर्स्ट लुक देख लीजिए जो एक्टर आयुष्मान खुराना ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, हवा में एक्साइटमेंट है, बाला की शूटिंग आज से शुरू। वैसे तो आप समझदार हैं, पोस्टर देखकर थोड़ी बहुत कहानी तो गैस कर ही ली होगी। खैर, फिल्म का नाम बाला है और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन कहानी क्या है? दरअसल ये फिल्म प्री मैच्योर बॉल्डनेस यानी कि कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है, जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में ही झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है, लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं। इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। आपको बता दें कि लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा फिल्म में दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम।
जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। आपको बता दें, इसकी शूटिंग फिलहाल तो मुंबई में शुरू हुई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना एक गंजे आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो उनके साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी इससे पहले दम लगा के हईसा और शुभ मंगल सावधान में एक साथ नजर आ चुकी है, और इन दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया था। भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इस सफर के शुरू होने की जानकारी दी है। इसके अलावा मडॉक फिल्म्स ने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। आयुष्मान खुराना की लगभग सारी फिल्म शानदार होती है, और जहां वो फिल्म में एक नए कैरेक्टर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे, तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट फैंस का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाला के टीजर की खासियत क्या है, क्या होगी इस फिल्म की कहानी, कौन कौन काम कर रहा है इस फिल्म में, और क्या है फिल्म से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना की एक और नई फिल्म का टीजर आ गया है। एक और इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। अब जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है बाला। पहले ये फिल्म एक सीरियस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। खैर, प्रॉब्लम पर हम थोड़ी देर में रुककर बात करेंगे, सबसे पहले टीजर पर बात कर लेते हैं। तो टीजर में क्या दिख रहा है? टीजर ओपन होता है आयुष्मान खुराना बाइक पर टशन दिखाते हुए, गाना गाते हुए, वो भी शाहरुख खान का कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर आता है एक तेज हवा का झोंका और उनकी पहनी टोपी उड़ जाती है, और साथ ही उड़ जाती है उनके चेहरे की हवाइयाँ। उसके बाद आयुष्मान बुझी हुई शक्ल बना लेते हैं और बैकग्राउंड में राजेश खन्ना का रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार बजने लग जाता है। क्यों? अरे भाई, कुछ चीज़ों का मजा खुद देखने में होता है। तो जाइए टीजर देकर आइए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मगर इससे पहले जान लीजिए कि इस काफ़ी मज़ेदार टीजर में दो बातें साफ दिख रही हैं। पहली, आयुष्मान खुराना के करियर का बढ़ता हुआ ग्राफ, और दूसरी, चैलेंजिंग रोल्स चुनने और उन्हें निभाने के गट्स। गट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने करियर के पीक पर ऐसा रोल प्ले करने से पहले कोई भी एक्टर 10 बार सोचेगा। फिल्म की कहानी क्या है? ये फिल्म प्री मैच्योर बाल्डनेस यानी कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है। जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है। लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं, इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए अभिषेक बैनर्जी, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर्स को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन हैं। इसकी शूटिंग 6 मई को मुंबई में शुरू हुई थी, लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए गए हैं। अब आती है बात फिल्म से जुड़ी उस बड़ी प्रॉब्लम की। बाला के मेकर्स पर फिल्म की कहानी चुराने का आरोप लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है और राइटर कमलकांत चंद्रा ने दर्ज करवाया है कि वो इस कहानी के ओरिजिनल राइटर हैं। इस सब के बावजूद फिल्म की शूटिंग का आगाज हो चुका है।
फिलहाल बाला की रिलीज डेट 22 नवंबर 2019 है और अब इसके ट्रेलर का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक बाला के ट्रेलर की खास बातें क्या हैं, क्यों होगी ये फिल्म सुपरहिट और फिल्म को प्रीपोन क्यों किया गया। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर काफी मजेदार है और इसमें बाला यानी आयुष्मान खुराना को ही अपनी कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस झलक में आयुष्मान तो मजेदार हैं ही, शेष कलाकारों ने भी मामला संभाल रखा है। फिल्म की हीरोइनों को भी यहाँ देखा जा सकता है। भूमि के अलावा इसमें यामी गौतम भी है। बिना बाल वाले आयुष्मान की कहानी वाकई मजेदार है और लग रहा है कि वो एक और हिट देने वाले हैं। ऐसा होता है तो ये उनकी 7वीं हिट होगी। ट्रेलर में इसके एक गाने की धुन भी है जो काफी अच्छी है। कुछ वाकई मजेदार डायलॉग्स भी इसमें हैं। आज सुबह ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जाहिर किया गया था। इसकी घोषणा के लिए एक पोस्टर जारी हुआ था। मेकर्स ने तभी बता दिया था कि आज ही इसका ट्रेलर आ जाएगा। अब इस फिल्म की रिलीज में बमुश्किल एक महीना शेष है। 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है, जबकि पहले ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसी के विषय पर बनी उजड़ा चमन की वजह से इसे जल्द रिलीज किया जा रहा है। उजड़ा चमन में हीरो हैं सनी सिंह और ये 8 नवंबर को रिलीज हो रही है। उजड़ा चमन का ट्रेलर पिछले महीने ही आ चुका है और इसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के पीछे प्यार का पंचनामा से काफी नाम जुड़े हुए हैं। प्यार का पंचनामा में सनी सिंह ने काम किया था और इसी में कार्तिक आर्यन भी उनके साथ थे। बता दें कि बाला का टीजर अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही आ गया था। ये टीजर भी मजेदार है। इसमें शाहरुख खान के 2 गानों से आयुष्मान खुराना की हालत बयां की गई है। स्त्री फेम अमर कौशिक बाला के निर्देशक हैं और उम्र से पहले गायब हो रहे बालों से परेशान हीरो की कहानी को इसमें दिखाया जा रहा है। कानपुर में इसे शूट किया गया है और इस फिल्म में जावेद जाफरी के साथ सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा भी है। आयुष्मान खुराना एक के बाद एक नए टॉपिक्स पर फिल्में ला रहे हैं और लोगों के दिलों को भा रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए और उन 2 तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2 अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज
को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है, पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को यूट्यूब पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्टूबर और नवंबर में आई बॉलीवुड फिल्मों ने किया कितना कलेक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मूवी ने कितना कर लिया है टोटल कलेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे चहीते आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से। बाला मूवी ने बॉक्स ऑफिस में जलवा मचा कर रखा हुआ है। बाला ने दूसरे हफ्ते में कुल 82.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही बाला तेजी से बॉलीवुड के 100 करोड़ के क्लब में बढ़ रही है। फिल्म बाला ने रिलीज के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 3.76 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे शनिवार को ये कमाई बढ़कर 6.73 करोड़ रुपए की हो गई। फिल्म ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने संभावना जताई है कि रविवार को भी बाला की कमाई तेजी से बढ़ सकती है। रविवार को ये कमाई 90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उल्लेखनीय ये है, बाला के डायरेक्टर अमर कमाल ने इस फिल्म के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि फिल्म का प्रमोशन और विज्ञापन पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस लिहाज से फिल्म का बजट 45 करोड़ है, जबकि बाला को करीब 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वहीं बात की जाए उजड़ा चमन, जो कि पिछले शुक्रवार यानी 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, और बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट के अनुसार फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक 2.35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। शनिवार को फिल्म ने 3.30 करोड़ और रविवार को 3.61 करोड़ जमा किए थे। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन लगभग 90 लाख रहा, जबकि मंगलवार को 80 लाख, बुधवार को 70 लाख और गुरुवार को 60 लाख। पहले हफ्ते में उजड़ा चमन ने 12.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। उजड़ा चमन का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, जिन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्टोरियल पारी की शुरुआत की है। अब बात की जाए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और कृति सैनन की हाउसफुल 4 की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है और इसकी कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अब कमाई के मीटर ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म के रिलीज को 3 सप्ताह हो गए हैं, हालांकि फिर भी फिल्म की कमाई में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 बॉलीवुड इतिहास की दूसरी ऐसी कॉमेडी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ। अब यहाँ बात की जाती है सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख की मरजावा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी की मोती चूर चकनाचूर, जो कि 15 नवंबर को रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन अच्छी कमाई की। मरजावा ने 7 करोड़ से ज्यादा और मोती चकनाचूर लगभग 4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे दिन वीकेंड की वजह से दोनों ही फिल्में अच्छा कमाई करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और रितेश की मरजावा ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो रविवार की छुट्टी की वजह से इस कमाई के तीसरे दिन में काफी इजाफा हो सकता है। अब बात की जाए साउथ के सुपरस्टार थलापति विजेश और उनकी अपकमिंग फिल्म बिगिल, जो 25 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। बिगिल को स्लीपर हिट करार दिया गया है। इसका सारा श्रेय थलापति विजय और उनकी फैन फॉलोइंग को जाता है। सिर्फ 7 दिन में
जी हाँ, सिर्फ 7 दिन में थलापति विजय की फिल्म बिगिन ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली, हालांकि वीकडेज पर फिर से फिल्म ने कमाई में बढ़ोतरी की। बिगिन थलापति की लगातार 4थी ऐसी फिल्म है जिसने चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 9 दिन में इसने 10.07 करोड़ का बिजनेस किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बात की जाए मेरी फेवरेट मूवी वॉर की, जिसने 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और 14 नवंबर को इसकी रिलीज को 6 हफ्ते पूरे हो गए थे। वॉर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की गई थी। इन 6 हफ्तों में फिल्म ने 317.77 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से 300.310 हिंदी भाषा से मिले हैं, जबकि 14.67 करोड़ तमिल और तेलुगु से आए हैं। 6ठे हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने 69 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि तमिल और तेलुगु से 7 लाख रुपए बटोरे गए। वॉर के कलेक्शन में अब ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिलीज को 1.5 महीना हो चुका है। इसी के साथ अब मैं अपनी बातों पर लगाता हूँ फुल स्टॉप और आपसे अलविदा लेने की इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए आप हमारी बॉलीग्राड की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहिए। और जी हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, और आपको अच्छी लगी तो शेयर, और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां थी इस वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू सून। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए और उन 2 तीरों में से 1 तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है, और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है, और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2 अलग-अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है, तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की, तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है, और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की, तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं, और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है, पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है, और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 4थी फिल्म है, जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों, ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रेजडी प्लस टाइमिंग।
इक्वल टू कॉमेडी, ये सब बाला फिल्म में क्यों है और इस फिल्म की खास बातें क्या है? थैंक यू, धन्यवाद शुक्रन, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। किसी भी आर्टिस्ट या क्रिएटर का ड्रीम होता है ऑडियंस का भरपूर प्यार पाना। इसी प्यार का सबूत है आज बॉलीग्राद परिवार 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। ये मुकाम बिना आपके प्यार और साथ के मुमकिन नहीं था। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया तो हम भी आपके लिए एक उपहार लाए हैं। इसी मंडे यानी 11 नवंबर को हम एक इंटरेस्टिंग शो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर दिन हमारे किसी एक ऑडियंस को 1000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। हर एक दिन 1000 रुपए। हमारा सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है, बेल आइकन यानी अरे भैया घंटी दबा दीजिए ताकि ये मौका हाथ से निकल न जाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राद के फिल्मी गलियारे में। बाल मुकुंद इमोशनल होते हुए कहता है कि नहाने के तुरंत बाद वो अपना कच्छा नहीं अपना बिग पहनता है, इसलिए कि बिग ना पहनना हो तो उसे लगता है कि वो नंगा हो गया है। उसका ये कहना सुनकर आपके अंदर हर्ष और करुणा एक साथ जन्मती है। हास्य और पीड़ा का ये भी जोड़ आप पूरी फिल्म में पाते, वही जोड़ जिसके बारे में शायद चार्ली चैपलिन कह गए कि ट्रेजेडी प्लस टाइमिंग इज इक्वल टू कॉमेडी। और इस फिल्म की कहानी क्या है? काफी विवादों के बाद आखिरकार 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म बाला। ये कहानी है बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला की। बाला कानपुर का एक सेल्समैन है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन उसका बॉस उससे फील्ड वर्क चुरा कर उसे ऑफिस वर्क दे देता है, काइंड ऑफ डिमोशन। और डिमोशन इसलिए क्योंकि उसके बाल नहीं है। बाला गंजा है इसलिए बॉस और समाज की नजर में उसकी पर्सनालिटी ठंडी है। बाल नहीं है तो चार्म नहीं है। बाल ना होने के चलते ही उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, बचपन वाली ब्रेकअप कर लेती है। बाल ना होने के चलते उसकी शादी नहीं होती। बाल ना होने के चलते ही वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता, सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का। यानी सारी मुसीबतों की जड़ बाल ही है। बाल मतलब बालों का ना होना। होने को एक लड़की है जो बाला को पसंद करती है बचपन से, लेकिन बाला उसे पसंद करना तो दूर उसकी मजाक और उड़ाता है क्योंकि वो लड़की सांवली है। इन्हीं सब दुखों के बीच जब एक दिन उसके पिता उसे बालों का बिग गिफ्ट कर देते हैं तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। लखनऊ की एक टिकटॉक सेलिब्रिटी उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव के रास्ते स्वीकारता की कहानी कहती है बाला। इस फिल्म का मैनरिज्म क्या है? फिल्म में 80% घटनाएं कानपुर और बाकी 20% चीजें लखनऊ में घटती हैं। फिल्म के राइटर नीरेन भट्ट, डायरेक्टर अमर कौशिक, सिनेमेटोग्राफर अनुज राकेश धवन और बाकी की टीम ने इन शहरों के फ्लेवर को मस्त पकड़ा है। शहरों का मैनरिज्म, वहाँ की बोली, वहाँ के छोटे छोटे लोकल शब्द जैसे कान्हेपुर, लभेड़, वहाँ के इलाके, इन सब का एक नेचुरल सा रंग है फिल्म में। वैसे मूवी में वन लाइनर डायलॉग्स और बोली इन सब में एक चटखारा है। समझिए कि एक खास किसके लहजे की आंच में बहुत स्वादिष्ट ह्यूमर पकाया गया है और मूवी के डायलॉग्स इसका सबसे स्ट्रांग डिपार्टमेंट बन गए हैं। कुछ डायलॉग्स जो सिनेमा हॉल से निकलकर अब भी मेरे साथ है, उनकी मिसाल देखिए। हेयर लॉस नहीं आइडेंटिटी लॉस हो रहा है हमारा, जितने भी विकेट बचे हैं उनके रहते अपनी इनिंग बचा लो, पूरा यूपी भगवान के भरोसे है। बाला के भाई के हिस्से आया एक मोनोलॉग बिना क्रीपी हुए प्यार का पंचनामा वाले मोनोलॉग की याद दिलाता है। अपने ह्यूमर कोसेंट और तेज तेज बोले जाने के चलते मूवी में कभी कभी ह्यूमर बैंक का रूप भी ले लेता है जब वो सच्चाई के साथ मिक्स हो जाता है। आयुष्मान खुराना हो या भूमि पेड़ेकर, दोनों ही लीड एक्ट्रेस ने अदाकारी के सारे बॉक्स चेक किए हैं। कनपुरिया लहजा और भाव भाव बढ़िया पकड़ा, लेकिन मेकअप का जो एडवांटेज आयुष्मान को मिला है वो भूमि नहीं पा सकी। मतलब आयुष्मान अगर एक गंजे आदमी का किरदार कर रहे हैं तो उनका मेकअप कभी भी हमें अन्यथा सोचने का मौका नहीं देता, जबकि भूमि का सांवला रंग काफी हद तक बनावटी लगता है। जावेद जाफरी ने अमिताभ बच्चन को अच्छा कॉपी किया है, लेकिन ट्रेलर में उनको देखकर जो ह्यूमर की उम्मीद जगती है वो मूवी में पूरा नहीं हो पाती। उनके छोटे और नॉट सो ह्यूमर्स रोल के चलते ऐसा लगता है कि उनका किरदार बेकार ही चला गया, फिल्म में अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाए जाफरी। बाला के पिता बने सौरभ शुक्ला के लिए तो क्या ही कहें, वो आलू हैं, जहां डालो अपना स्वाद अपनी जगह बना लेते। यमी की एक्टिंग तो ओके है, लेकिन उनका करेक्टर परी गले के नीचे जाते हुए अटकता है, आपको एक्स्ट्रा जतन करके इसको निगलना पड़ता है। कारण ये भी वो अविश्वसनीय लगती है, उनके किरदार का एक्सट्रीम दर्शकों को कन्विंस नहीं कर पाता। मूवी इंटरवल से पहले फुल ऑन एंटरटेनिंग है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि
धक्का दे देकर चल रही है, वैसी मक्खन चाल नहीं रह पाती। स्क्रिप्ट कई जगहों पर ऐसी है कि आपको लगेगा कुछ और करते, क्योंकि कहानी का वो प्लाट बहुत ही अब्यूस मालूम पड़ता है। मसलन एक लीड करेक्टर कुछ कन्फेशन करने वाला होता है, मगर उसके ऐसा करने से ठीक पहले ही दूसरे लीड करेक्टर को सच्चाई पता लग गई। फिर इस सहयोग के दम पर कहानी में कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया। ये बहुत घिसा पिटा फार्मूला है। ऐसे ही कई और चीजें हैं जिसके चलते फिल्म वैसी रिफ्रेशिंग वाली फील नहीं दे पाती जैसे कभी दम लगा के आयशा ने दी थी। मैंने दम लगा के आयशा की बात इसलिए की क्योंकि दोनों फिल्मों के लीड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि कहानी के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा समानताएं हैं। दोनों फिल्मों की कहानियों में एक पुरुष किरदार है जो खुद परफेक्ट नहीं होते हुए भी परफेक्ट स्त्री की चाह रखता है। और तो और 90s के नॉस्टैल्जिया को कैश कराने का प्रयास भी दोनों ही फिल्मों में है। वहां कुमार सानू के माध्यम से था, यहां फैंटम नाम की बच्चों को सिगरेट के माध्यम से। डायरेक्शन की बात करें तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में कुछ एक सीन बड़े इमोशनल बन पड़े हैं, जैसे स्टूडेंट रियूनियन वाला सीन, मगर बात बनती हुई लगती नहीं। ज्यादातर सीन अतपके हैं, जैसे बाप बेटे का कन्फ्लिक्ट। कोशिश की जाती, थोड़ा सोचा जाता तो ये सीन बड़े असरदार बन सकते थे। अगर आपने अवार्ड विनिंग वेब सीरीज गुल्लक देखी है तो आपको बाला का घर और गुल्लक के मिश्रा जी का घर एक ही लगेगा। दोनों घरों की एक विशेषता है, एकदम सच्चे लगते हैं, ऐसे कि आपको अपने बचपन के घर का अस्त व्यस्त पनरा याद आता है। बाला के हर सीन की रियलिटी से पकी वाली यारी देखने को मिलती है और ये डायरेक्टर अमर कौशिक और उसके साथी प्रोड्यूसर दिनेश बिजन की खासियत भी रही है। इनकी पिछली फिल्म स्त्री याद कीजिए, रेफरेंसेस और प्रॉप्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जैसे टिकटॉक जिसे टियर टू सिटी का ट्यूटर भी कहा जाता है। टिकटॉक इस फिल्म का कहानी के नरेशन का एक जरूरी हिस्सा है, ये शायद पहले किसी मूवी में इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया होगा। बाकी 90s की वो फैंटम वाली बच्चों की सिगरेट जैसे छोटे मोटे रेफरेंसेस तो है ही। फिल्म का म्यूजिक बहुत औसत है, माने अपुन सुना और भूल गया, आप इसे गुनगुनाना भी नहीं चाहेंगे। हाँ, इतना जरूरी है कि गानों के शब्द, इसकी लिरिक्स बहुत चुटीली और फ्रेश है। फिर चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल हुआ गीत हो या टकीला सॉन्ग एंड क्रेडिट में यूज हुआ गीत डोंट बी शाय, बादशाह के म्यूजिक के चलते अच्छा लगता है। किसी संस्कृत के श्लोक की पैरोडी टाइप लगता मोटिवेशनल सॉन्ग भी अपने कंटेंट में क्रिएटिव तो काफी है, लेकिन फुल लेंथ फीचर फिल्म की जो एक जिंदगी होती है उसे थोड़ा कमजोर करता है। प्यार तो था कि मेलोडी प्रभावित नहीं करती, वो बस आया गया टाइप कोई औसत से नीचे का गाना बनकर रह जाता है। अगर आपने बाला के गाने सुने हो तो गौर किया हो, शायद फिल्म की कहानी यूपी के बैकड्रॉप में बढ़ती है, मगर गाने अधिकतर पंजाबी हैं। उजड़ा चमन और बाला में क्या समानताएं हैं? पिछले हफ्ते कन्नड़ मूवी ओ टू मटैया काठे की ऑफिशियल हिंदी रिमेक उजड़ा चमन रिलीज हुई थी, उसके साथ बाला का काफी विवाद चला था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। मसला ये था कि दोनों की स्क्रिप्ट एक सी थी। अब चूंकि हमने दोनों ही मूवीज देख ली है तो हमें मालूम है कि दोनों फिल्मों का मूल विषय बेशक एक सा हो, लेकिन स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट के चलते दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फिल्में हो जाती हैं। दोनों फिल्मों की तुलना जब भी मेट का एक डायलॉग सबसे बेहतर तरीके से करता है, एक इंच की बेड और मीलों की दूरी, बस यही दूरी है दोनों फिल्मों के बीच। होने को दोनों फिल्मों की तुलना को अगर आप क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो बता दें कि बाला पहली नजर में 21 साबित होती दिखती है। 90 के दशक में जब हम वही शिफॉन की साड़ियां, वही बर्फ के पहाड़ों वाला बैकग्राउंड, वही लो एंगल कैमरा, वही स्लो मोशन देख देख कर उकता गए तो नई तरह की कहानियां आई। छोटे शहरों की कहानियां, बिक्की डोनर, मसान, दम लगा के आयशा, बरेली की बर्फी, स्त्री, शुभ मंगल सावधान, तनुवेट्स मनु, बधाई हो, ये शुरुआत एक परंपरा के टूटने से हुई। जोखिम लेने की हिम्मत से उपजी ये फिल्में, लेकिन बाला तक आते आते इस क्रांति से उत्पन्न हुआ कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट भी एक नई क्रांति के लिए कस मसाने सा लगा है। एक नए तरह के कॉन्सेप्ट का इतनी जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाना डॉक्टर चिहोंगो की क्रांति की याद दिलाता है। जैसे शोले के बाद आई डाकू वाली फिल्में, जय संतोषी माँ के बाद आई भगवान और भक्त वाली फिल्में, हम आपके हैं कौन के बाद आई शादी ब्याह वाली फिल्में, DDLJ के बाद आई विदेशी और हाई फाई विदेशी लोकेशंस वाली फिल्में, इस नई वाली विधा का भी एक टेम्पलेट बन चुका है जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जो आप कमोबेश एक सी रहती है। जैसे एक विशेष तरह की मूवीज को यश चोपड़ा मूवीज कहा जाने लगा था, अभी नई तरह की मूवीज को आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव विधा की मूवीज कह दिया जाने लगे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये दोनों कलाकार जाने अनजाने इस टेम्पलेट का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं। एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जिसका हल, जिसका क्लाइमेक्स समाज की कुरीतियों को तोड़ता है, एक टाइम को खत्म करने की कोशिश करता है, एक मजबूत सामाजिक संदेश देता है, चाहे वो स्त्री विमर्श को लेकर, नपुंसकता को लेकर हो, स्पर्म डोनेशन को लेकर हो या बॉडी शेमिंग को लेकर हो। एक ऐसा शहर जो काउ बेल्ट हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, जैसे अधिकतर यूपी और कभी कभी एमपी या राजस्थान। हास जो आंचलिक भाषा के प्रयोग से जन्मा हो और भाषा जिसमें वहाँ के लोकल स्लैंग्स इस्तेमाल किए हों, जैसे भौकाल, ऐसे शब्द जिनमें उस अंचल का फ्लेवर हो, जैसे रेणु और मनोहर श्याम जोशी की कहानियों में आपको पढ़ते हुए मालूम चल पड़ जाता है कि फला जगह के किरदार हैं। ये अलग बात है कि रेणु और मनोहर श्याम जोशी को पढ़ते हुए उनकी आंचलिकता आपको गुदगुदाती है, मगर इन फिल्मों में इस्तेमाल हुए शब्द कई बार जबरन घुसाए से भी मालूम जान पड़ते हैं। कहानियों का ट्रीटमेंट सच्चा सा, बहुत गाढ़ा और सजाया हुआ नहीं, करण जौहर और भंसाली की फिल्मों जैसा आलीशान नहीं। इनके घर हमारे आपके घरों की तरह है। घर की दीवारों में आई सीलन, सब्जी खरीदने के लिए पकड़ा गया हाथ का झोला, सड़क पर लगा जाम और शाम को परिवार का लत फत कर टीवी देखते हुए किचकिच करना, मतलब वो दुनिया जो हम जानते हैं। और भी कई चीजें हैं इस टेम्पलेट में टेक्निकल और क्राफ्ट के स्तर पर, लेकिन चूंकि अभी इस फार्मूले वाले फल में काफी रस है, इसलिए इसे और निचोड़ा जा रहा है, निचोड़ा जाएगा। तब तक आनंद लीजिए जब तक ले सकेंगे और इंतजार कीजिए एक और नई क्रांति का। वो कौन सी बातें हैं जो फिल्म बाला को अभी से सुपर हिट फिल्म बनाती है और फिल्म की कहानी क्या होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आयुष्मान खुराना की नई फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया है, वो फिल्म जो एक गंभीर विवाद में फंसी हुई थी। विवाद पर हम थोड़ा रुककर रोशनी डालेंगे, पहले आपको फिल्म की जरूरी बातें बता देते हैं, जैसे कि आयुष्मान के अलावा फिल्म में और कौन कौन काम कर रहा है, फिल्म का नाम और कहानी क्या है, कौन बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप फिल्म का फर्स्ट लुक देख लीजिए जो एक्टर आयुष्मान खुराना ने शेयर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है, हवा में एक्साइटमेंट है, बाला की शूटिंग आज से शुरू। वैसे तो आप समझदार हैं, पोस्टर देखकर थोड़ी बहुत कहानी तो गैस कर ही ली होगी। खैर, फिल्म का नाम बाला है और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन कहानी क्या है? दरअसल ये फिल्म प्री मैच्योर बॉल्डनेस यानी कि कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है, जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में ही झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है, लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं। इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। आपको बता दें कि लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा फिल्म में दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्टर को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। आपको बता दें इसकी शूटिंग फिलहाल तो मुंबई में शुरू हुई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए जाएंगे। इस फिल्म में जहां आयुष्मान खुराना एक गंजे आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो उनके साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की जोड़ी इससे पहले दम लगा के हईसा और शुभ मंगल सावधान में एक साथ नजर आ चुकी है और इन दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स से लेकर लोगों ने खूब पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया था। भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना की रोमांटिक केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करते हुए इस सफर के शुरू होने की जानकारी दी है। इसके अलावा मडॉक फिल्म्स ने भी ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। आयुष्मान खुराना की लगभग सारी फिल्म शानदार होती है और जहां वो फिल्म में एक नए कैरेक्टर से दर्शकों को रूबरू कराएंगे, तो फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट फैंस का कहना है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाला के टीजर की खासियत क्या है, क्या होगी इस फिल्म की कहानी,
कौन कौन काम कर रहा है इस फिल्म में और क्या है फिल्म से जुड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना की एक और नई फिल्म का टीजर आ गया है। एक और इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। अब जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है बाला। पहले ये फिल्म एक सीरियस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। खैर, प्रॉब्लम पर हम थोड़ी देर में रुककर बात करेंगे, सबसे पहले टीजर पर बात कर लेते हैं। तो टीजर में क्या दिख रहा है? टीजर ओपन होता है आयुष्मान खुराना बाइक पर टशन दिखाते हुए, गाना गाते हुए, वो भी शाहरुख खान का कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन फिर आता है एक तेज हवा का झोंका और उनकी पहनी टोपी उड़ जाती है और साथ ही उड़ जाती है उनके चेहरे की हवाइयां। उसके बाद आयुष्मान बुझी हुई शक्ल बना लेते हैं और बैकग्राउंड में राजेश खन्ना का रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार बजने लग जाता है। क्यों? अरे भाई, कुछ चीजों का मजा खुद देखने में होता है, तो जाइए टीजर देकर आइए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। मगर इससे पहले जान लीजिए कि इस काफी मजेदार टीजर में दो बातें साफ दिख रही हैं। पहली, आयुष्मान खुराना के करियर का बढ़ता हुआ ग्राफ, और दूसरी, चैलेंजिंग रोल्स चुनने और उन्हें निभाने के गट्स। गट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपने करियर के पीक पर ऐसा रोल प्ले करने से पहले कोई भी एक्टर 10 बार सोचेगा। फिल्म की कहानी क्या है? ये फिल्म प्री मैच्योर बालनेस यानी कम उम्र में बाल झड़ जाने की प्रॉब्लम के बारे में है। एक लड़का है जिसका घर का नाम बाला है। जाहिर है फिल्म का नाम यहीं से आया है। इस लड़के का केस ये है कि इसके बाल कम उम्र में झड़ गए हैं, वो ऑलमोस्ट गंजा हो गया है। सोसाइटी, परिवार, हर जगह उसे हीन भावना फील होती है। लोग उसका मजाक बनाने लग गए हैं, इसकी शादी होने को है लेकिन गंजेपन को विग से छुपाकर। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में लीड हीरो आयुष्मान खुराना के अलावा दो हीरोइनें हैं, भूमि पेडनेकर और यामी गौतम। जहां भूमि का रोल एक छोटे शहर की सांवली लड़की का है, वहीं यामी का किरदार उनसे एकदम उलट लखनऊ शहर की सुपर मॉडल का है। फिल्म की कॉमेडी में चार चांद लगाने के लिए अभिषेक बैनर्जी, सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी और सीमा पाहवा जैसे जबरदस्त एक्ट्रेस को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट किया गया है। इस कॉमेडी फिल्म को वही टीम बना रही है जिसने राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री बनाई थी, यानी फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन है। इसकी शूटिंग 6 मई को मुंबई में शुरू हुई थी लेकिन इसके कुछ हिस्से यूपी के शहर कानपुर में भी शूट किए गए हैं। अब आती है बात फिल्म से जुड़ी उस बड़ी प्रॉब्लम की। बाला के मेकर्स पर फिल्म की कहानी चुराने का आरोप लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है और राइटर कमल कांत चंद्रा ने दर्ज करवाया है कि वो इस कहानी के ओरिजिनल राइटर हैं। इस सब के बावजूद फिल्म की शूटिंग का आगाज हो चुका है। फिलहाल बाला की रिलीज डेट 22 नवंबर 2019 है और अब इसके ट्रेलर का इंतजार है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक बाला के ट्रेलर की खास बातें क्या हैं, क्यों होगी ये फिल्म सुपरहिट और फिल्म को प्रीपोन क्यों किया गया। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की फिल्म बाला का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर काफी मजेदार है और इसमें बाला यानी आयुष्मान खुराना को ही अपनी कहानी सुनाते हुए देखा जा सकता है। इस झलक में आयुष्मान तो मजेदार है ही, शेष कलाकारों ने भी मामला संभाल रखा है। फिल्म की हीरोइनों को भी यहाँ देखा जा सकता है, भूमि के अलावा इसमें यामी गौतम भी है। बिना बाल वाले आयुष्मान की कहानी वाकई मजेदार है और लग रहा है कि वो एक और हिट देने वाले हैं। ऐसा होता है तो ये उनकी 7वीं हिट होगी। ट्रेलर में इसके एक गाने की धुन भी है जो काफी अच्छी है, कुछ वाकई मजेदार डायलॉग्स भी इसमें हैं। आज सुबह ही इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जाहिर किया गया था, इसकी घोषणा के लिए एक पोस्टर जारी हुआ था। मेकर्स ने तभी बता दिया था कि आज ही इसका ट्रेलर आ जाएगा। अब इस फिल्म की रिलीज में बमुश्किल एक महीना शेष है। 7 नवंबर को ये रिलीज हो रही है जबकि पहले ये 22 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसी के विषय पर बनी उजड़ा चमन की वजह से इसे जल्द रिलीज किया जा रहा है।
उजड़ा चमन में हीरो हैं सनी सिंह और ये 8 नवंबर को रिलीज हो रही है। उजड़ा चमन का ट्रेलर पिछले महीने ही आ चुका है और इसे काफी पसंद किया गया। इस फिल्म के पीछे प्यार का पंचनामा से काफी नाम जुड़े हुए हैं। प्यार का पंचनामा में सनी सिंह ने काम किया था और इसी में कार्तिक आर्यन भी उनके साथ थे। बता दें कि बाला का टीजर अगस्त के आखिरी सप्ताह में ही आ गया था। ये टीजर भी मजेदार है। इसमें शाहरुख खान के 2 गानों से आयुष्मान खुराना की हालत बयां की गई है। स्त्री फेम अमर कौशिक बाला के निर्देशक हैं और उम्र से पहले गायब हो रहे बालों से परेशान हीरो की कहानी को इसमें दिखाया जा रहा है। कानपुर में इसे शूट किया गया है और इस फिल्म में जावेद जाफरी के साथ सौरभ शुक्ला और सीमा पाहवा भी है। आयुष्मान खुराना एक के बाद एक नए टॉपिक्स पर फिल्में ला रहे हैं और लोगों के दिलों को भा रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। दोस्तों, आयुष्मान खुराना ने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए और उन 2 तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों, अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म 2 अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म है जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों, ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अक्टूबर और नवंबर में आई बॉलीवुड फिल्मों ने किया कितना कलेक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मूवी ने कितना कर लिया है टोटल कलेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने सबसे चहेते आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से। बाला मूवी ने बॉक्स ऑफिस में जलवा मचा कर रखा हुआ है। बाला ने दूसरे हफ्ते में कुल 82.73 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही बाला तेजी से बॉलीवुड के 100 करोड़ के क्लब में बढ़ रही है। फिल्म बाला ने रिलीज के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 3.76 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दूसरे शनिवार को ये कमाई बढ़कर 6.73 करोड़ रुपए की हो गई। फिल्म ट्रेड पंडित
तरण आदर्श ने संभावना जताई है कि रविवार को भी बाला की कमाई तेजी से बढ़ सकती है। रविवार को ये कमाई 90 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। उल्लेखनीय ये है, बाला के डायरेक्टर अमर कमाल ने इस फिल्म के निर्माण पर कुल 35 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि फिल्म का प्रमोशन और विज्ञापन पर भी 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस लिहाज से फिल्म का बजट 45 करोड़ है, जबकि बाला को करीब 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। वहीं बात की जाए उजड़ा चमन, जो कि पिछले शुक्रवार यानी 1 नवंबर को रिलीज हुई थी, और बॉलीवुड हंगामा वेबसाइट के अनुसार फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक 2.35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। शनिवार को फिल्म ने 3.30 करोड़ और रविवार को 3.61 करोड़ जमा किए थे। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन लगभग 90 लाख रहा, जबकि मंगलवार को 80 लाख, बुधवार को 70 लाख और गुरुवार को 60 लाख। पहले हफ्ते में उजड़ा चमन ने 12.26 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। उजड़ा चमन का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, जिन्होंने इस फिल्म के साथ डायरेक्टोरियल पारी की शुरुआत की है। अब बात की जाए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और कृति सैनन की हाउसफुल 4 की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है और इसकी कमाई अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि अब कमाई के मीटर ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म के रिलीज को 3 सप्ताह हो गए हैं, हालांकि फिर भी फिल्म की कमाई में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 बॉलीवुड इतिहास की दूसरी ऐसी कॉमेडी फिल्म बन गई है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ। अब यहाँ बात की जाती है सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख की मरजावा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आथिया शेट्टी की मोती चूर चकनाचूर, जो कि 15 नवंबर को रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन अच्छी कमाई की। मरजावा ने 7 करोड़ से ज्यादा और मोती चकनाचूर लगभग 4 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे दिन वीकेंड की वजह से दोनों ही फिल्में अच्छा कमाई करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ और रितेश की मरजावा ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो रविवार की छुट्टी की वजह से इस कमाई के तीसरे दिन में काफी इजाफा हो सकता है। अब बात की जाए साउथ के सुपरस्टार थलापति विजेश और उनकी अपकमिंग फिल्म बिगिल, जो 25 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। बिगिल को स्लीपर हिट करार दिया गया है। इसका सारा श्रेय थलापति विजय और उनकी फैन फॉलोइंग को जाता है। सिर्फ 7 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 7 दिन में थलापति विजय की फिल्म बिगिल ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने 200 करोड़ क्रॉस कर लिया है। वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिली, हालांकि वीकडेज पर फिर से फिल्म ने कमाई में बढ़ोतरी की। बिगिल थलापति की लगातार 4th ऐसी फिल्म है जिसने चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सिर्फ 9 दिन में इसने 10.07 करोड़ का बिजनेस किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात की जाए मेरी फेवरेट मूवी वॉर की, जिसने 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर 317 करोड़ की धमाकेदार कमाई की है। वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और 14 नवंबर को इसकी रिलीज को 6 हफ्ते पूरे हो गए थे। वॉर हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज की गई थी। इन 6 हफ्तों में फिल्म ने 317.77 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें से 300.310 हिंदी भाषा से मिले हैं, जबकि 14.67 करोड़ तमिल और तेलुगु से आए हैं। 6 हफ्ते में फिल्म के हिंदी वर्जन ने 69 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जबकि तमिल और तेलुगु से 7 लाख रुपए बटोरे गए। वॉर के कलेक्शन में अब ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिलीज को 1.5 महीना हो चुका है। इसी के साथ अब मैं अपनी बातों पर लगाता हूँ फुल स्टॉप और आपसे अलविदा लेने की इजाजत चाहता हूँ। तब तक के लिए आप हमारी बॉलीग्राड की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहिए, और जी हाँ, बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को लाइक करना, और आपको अच्छी लगी तो शेयर और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां थी इस वीडियो में।
तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू सून। दोस्तों आयुष्मान खुराना ने एक तीर से दो शिकार कैसे किए और उन दो तीरों में से एक तीर का निशाना अक्षय कुमार की तरफ क्यों था और अक्षय कुमार ने आयुष्मान के इस रिएक्शन को लेकर क्या जवाब दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। दोस्तों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही काफी वायरल हो रहा है और बस इतना ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है और इस चैलेंज में करीना कपूर खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और इन सभी की काफी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ही हाल ही में फिल्म का एक गाना बाला भी रिलीज किया गया था। ये फिल्म दो अलग अलग समय की कहानियों को एक साथ दिखाती है। फिल्म में एक कहानी को साल 1419 के समय में दिखाया गया है तो दूसरी कहानी को आज के समय में यानी कि 2019 में। और अब बात करें बाला की तो फिल्म का गाना बाला रिलीज होने के बाद से ही वायरल है और अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के इस गाने को लेकर एक चैलेंज भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अक्षय कुमार और करीना कपूर खान अपनी आने वाली फिल्म गुड न्यूज की स्टार कास्ट के साथ इस चैलेंज को परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। इस चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चैलेंज परफॉर्म करते करते अचानक से ही अक्षय कुमार करीना कपूर को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अब बात करें आयुष्मान खुराना की तो आयुष्मान खुराना भी अक्षय कुमार के इस चैलेंज को परफॉर्म करते नजर आए हैं और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म का नाम भी बाला है। ऐसे में आयुष्मान ने कुछ भी कहो एक तीर से दो निशाने मारे हैं। इस बाला चैलेंज को परफॉर्म करते करते उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म को सपोर्ट तो किया ही है पर इसी के साथ साथ अपने आने वाली फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया। आपको बता दे कि अक्षय कुमार को YouTube पर इस गाने की वजह से 25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस गाने में संगीत सोहेल सैन ने दिया है और इसी के साथ साथ इसे आवाज भी सोहेल सैन और विशाल ददलानी ने दी है। फरहाद समाजी द्वारा निर्देशित ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है जिसमें रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति सैनन, बॉबी देओल, कृति खरबंदा और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। और दोस्तों ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है तो जाइएगा और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आप इस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ऐसे ही बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।